जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाम इन्होंने कलर रखा है इस चैप्टर पे, कि इसमें कलर के मुताबिक जो भी CSS कलर से रिलेटेड है ना, वो सारी यहाँ पे डिस्कस होगी। ठीक है, थोड़ी सी इस तरफ तवज्जो करो यार, आपस में बात नहीं करो। कलर की कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस होंगी इसमें। टर्मिनोलॉजीज किस चीज़ को कहते हैं या टर्म किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता? इस्तलाहात क्या होता है? इस्लाह नहीं यार, सही सही खड़े होके बोलो, बताओ। इस्लाहात जो कौन कह रहा था, इस्लाहात क्या होता है? ये उर्दू भी तो नहीं आती ना, खड़े होके बताओ, जोर से बताओ। खास जुबान के अंदर, खास टॉपिक के अंदर एक मायने होता है, उसको कहते हैं। बैठ जाए, आप बताएं क्या कहते हैं। और कोई जी? हाँ, शरायत या टर्म्स, तुम भी यही कह रहे हो, गलत कह रहे हो। हाँ भाई, टर्म या टर्मिनोलॉजी, गूगल करो, गूगल करके बताओ, कोई मसला नहीं है। जो टर्म्स होती है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो तो दूसरे मायनों में लिया हुआ होता है उसको, लेकिन असल में, हाँ बोलो, किसी चीज़ की वजाहत करने के लिए जब कोई वर्ड यूज़ होता है तो उसको टर्म कहते हैं। अच्छा, करीब करीब बताया सब लोगों ने, मोर और लेस। उर्दू में टर्म को बोलते हैं इस्लाह, सही है, इस्तलाह बोलते हैं या गालबन इस्लाह बोलते हैं। उर्दू भी नहीं आती ना, उर्दू भी थोड़ी थोड़ी आती है, तो यार इको बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा माइक में, थोड़ी देर में नाते पढ़ने लग जाऊँगा मेरा इको सर, थोड़ा सा इको को कम करने की कोशिश करते हैं। हेलो 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 हेलो, कुछ अब मेरी आवाज़ मुझे मेरी जैसी लग रही है। हेलो 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 हेलो, अभी वरना ये नाते पढ़ने वाला माइक बन गया था। सही है, अभी बेहतर है कुछ? हाँ, आवाज़ तो कम हो गई, लेकिन मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, मुझे लग रहा था कोई और बोल रहा है, अब मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो जो टर्म होती है ना, जैसे एंगल एक टर्म होती है, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ ना कि ये इस सीढ़ी को आप 45 डिग्री पे बना दो, 45 डिग्री एंगल पे बना दो, ठीक है, तो ये एक टर्म है। यानी इंजीनियर जब आपस में बात करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि इसको इतना टेढ़ा कर दो, वो बोलेंगे इसको इतने डिग्री पे सेट कर दो। तो डिग्री इज़ अ टर्म। तो हर फील्ड में या हर क्या कहते हैं आप कह लें कि जब भी हम कोई टेक्निकल बात करते हैं, ज़ाहिर है टेक्निकल फील्ड्स अलग अलग होती हैं। डॉक्टरों की एक फील्ड होती है, डॉक्टर जब दो डॉक्टर आपस में बात करेंगे तो वो कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब दूसरे डॉक्टर को पता होता है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे जब दो फौजी आपस में बात करते हैं तो वो कुछ टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, एक उन्होंने अपनी ज़ुबान सेट की हुई होती है, और जब एक फौजी बात करता है तो दूसरे को पता होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वो फौजी आउटडोर कुछ कर रहा है और वो वायरलेस पे बोलेगा मेडिवैक मेडिवैक, तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई हमें इवैक्यूएट करना है और मेडिकल सपोर्ट चाहिए, बंदा वाउंडेड है हमारा, ठीक है। गेम्स में अक्सर सुनते हो ना ये वाला, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में बोलते हैं ना मैन डाउन, तो वो अगर किसी बंदे को गोली लगी है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैन डाउन मेडिवैक। या अगर जहाज़ है, जहाज़ उड़ा रहा है पायलट, अब जहाज़ गिरने वाला है, वो सब ट्राई कर लिया उसने तो क्या बोलेगा, मेडे मेडे बोलेगा वो, सही है। तो ये टर्म्स हैं, इसका एक मतलब है। अब वो मेडे मेडे की जगह अगर मेडे टर्म नहीं पता उसको, वो वैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कैसे करेगा, शायद उसको पूरा जुमला बोलना पड़ेगा, एक पूरा जुमला बोलना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता। अब सामने से गोलियां चल रही हैं, फौजी है, वो कह रहा है भाई हमें इवैक्यूएट करो यहाँ से, तो वो बोलेगा मेडिवैक। एक होता है सिर्फ इवैक, एक होता है मेडिवैक, कि भाई मेडिकल सपोर्ट रेडी रखो जब हम पहुँचेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से इनके हाथ के इशारे होते हैं बहुत सारे, ये टर्म्स होती हैं जो एक ख़ास फील्ड का बंदा जब दूसरे बंदे से बात करता है तो उसको वो समझ आती है बात। अब मिसाल के तौर पर इमेजिन करें, मैं
डिग्री या एंगल का वर्ड यूज किए बगैर सामने वाले बंदे को कैसे बताऊंगा कि सीढ़ी को 45 डिग्री पे बनाना है, कैसे बताऊंगा? कोई है तरीका? तरीका है बिल्कुल, पूरा मजमून लिख के देना पड़ेगा उसको। एक डिग्री का वर्ड मैंने हटा दिया ना अपने जुमले से, तो मैं कैसे, मैं कहूँगा यार ऐसे यूँ हाथ से बताऊँगा कि यार ऐसे टेढ़ा कर दो इतना। अब बताऊँगा कुछ समझ में उसको कुछ और आएगा, वो कुछ और ही बना देगा, फिर आप बोलेंगे नहीं यार मैंने तो इतना कहा था, वो कहेगा सर आपने तो हाथ से ऐसे बताया था, मेरा हाथ तो ऐसा ही है। तो आपकी किस्मत जो है उसके हाथ पे सेट हो जाएगी कि जैसा उसका हाथ था वैसी आपकी सीढ़ी बन जाएगी। ठीक है, ऑन अदर हैंड हम क्या बनाते हैं, हम बोलते हैं इतने डिग्री पे सेट करो, डिग्री का स्केल आपके पास भी वही है उसके पास भी वही है, और कोई तीसरा इंजीनियर आएगा तो उसके पास भी वही होगा। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ना कम्युनिकेशन फास्ट हो, हमारी आपस में कम्युनिकेशन हमारी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए और एफिशिएंट हो जाए। अभी मतलब मैंने उसको बोला ऐसे करके बना दो इतना टेढ़ा, अब वो उसको समझ में नहीं आया, वो सामने से चार सवाल करेगा कि सर ऐसे टेढ़ा या ऐसे टेढ़ा, समझ रहे हो ना? तो एम्बिग्यूटी बन जाएगी, कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा अगर टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता ना हो तो। अच्छा, हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अपनी वोकैबलरी होती है हर फील्ड की। ठीक है, जब फौजी जो आपस में बात करते हैं उनकी एक अलग वोकैबलरी होती है, जो दो सॉफ्टवेयर डेवलपर आपस में बात करते हैं उनकी एक अलग वोकैबलरी होती है। ठीक है, अभी आपने HTML पढ़ लिया, अभी आपने CSS पढ़ लिया, अब आप जो बोलेंगे ना एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है पता है ना सब लोगों को, HTML के अंदर एट्रीब्यूट जो होता है, लेकिन एक आम बंदा उस एट्रीब्यूट का मतलब कुछ और समझता है। तो एट्रीब्यूट एक टर्मिनोलॉजी है ना जो दूसरा डेवलपर ही समझेगा, आप कहेंगे यार ID का एट्रीब्यूट पास करो, तो वो एक आम बंदे को समझ नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है, जिसको HTML नहीं आती, समझ रहे हो? तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक अलग वोकैबलरी होती है, तो ये वो वोकैबलरी भी यहाँ पर डिस्कस करेगा, कलर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कलर की जो वोकैबलरी इस्तेमाल होती है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेगा। ये बैकग्राउंड कलर जो होता है वो भी, यानी कलर से मुताल्लिक जितनी CSS है वो इसकी कोशिश होगी कि यहाँ पर डिस्कस हो जाए। अच्छा जी, कलर कैन रियली ब्रिंग योर पेज टू लाइफ, कह रहे हैं कि आप जब पेज में कलर ऐड करते हैं ना तो आपका पेज लाइव लगता है, कि वो जिंदा है, अलाइव है। ठीक है, अदरवाइज वो ब्लैक एंड वाइट जो पेज होता है वो उसमें ज़िंदगी फील नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये अब जो ज़िंदगी कह रहा है ये कौन सी ज़िंदगी की बात कर रहा है, ये मूड की बात कर रहा है, जो आप कलर आपका मूड सेट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर खाने की वेबसाइट है कोई, तो खाने की उसमें पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, तो आपका मूड सेट होता है, आपको वो खाना ज़िंदा लगता है, रियल लगता है। अगर वो बिरयानी की फ़ोटो हो लेकिन हो ब्लैक एंड वाइट तो क्या होता है, वो आपको रियल नहीं लगता, वो आपको कुछ और लगता है, मतलब रियल डेड लगता है, वो अलाइव नहीं लगता। तो कह रहा है कि कलर तो पहली बात तो आपके पेज में जान भर देता है। हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, आर देयर थ्री कॉमन वेज, कह रहा है तीन तरीके हैं कॉमन जो CSS3 के अंदर मौजूद हैं कलर को ऐड करने के, वो तीनों तरीके डिस्कस करेगा। अच्छा, कलर की टर्मिनोलॉजीज, एज देयर आर सम टर्म्स दैट आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू द पिकिंग कलर, कह रहे हैं कि कलर की जब बात होगी, अच्छा आपको तो वैसे जब डिज़ाइनर जो होगा ना वो आपको डिज़ाइन करके देगा, जो आपने चीज़ें करनी होंगी वो डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन करके देगा। आपको मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा लगे हाथों कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के काम कर रहे होते हैं तो आमतौर पर, या कोई भी वेबसाइट जो बनने का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि सबसे पहले बनता है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या चीज़ होती है कि पेंसिल से लकीर खींच के पेपर पे आपस में दो लोग बात करते हैं कि यार ये वेबसाइट में इस जगह पे लोगो होना चाहिए, इस जगह पे पैराग्राफ होना चाहिए, यहाँ पे एक जो है ना इमेज लगी हुई होनी चाहिए, ये पेंसिल से लकीर खींच के वो आपस में बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वायर फ्रेम। ठीक है, उसमें कोई कलर नहीं होता, कुछ नहीं होता, जस्ट एक आइडिया होता है कि क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मोबाइल पे खुले तो कहाँ चली जानी चाहिए, अगर डेस्कटॉप पे खुले तो कहाँ चली जानी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में टेक्स्ट भी होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। उसका जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो होता है डिज़ाइन। ठीक है, या आप उसको कह लें कि डिज़ाइन टेम्पलेट कह लें उसको आप, तो आमतौर पर लेकिन डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन कहते हैं, जस्ट डिज़ाइन। डिज़ाइन जो होता है वो या तो फोटोशॉप की एक फ़ाइल हो सकती है PSD, या तो वो PDF हो सकता है,
फोटोशॉप पे बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना के, डजंट मैटर कि वो किस सॉफ्टवेयर पे उसने बनाया है, लेकिन वो क्या होती है, एक एक्चुअली वो एक इमेज फाइल होती है, एक तस्वीर होती है वो, उस तस्वीर में अच्छा वो पिक्सल परफेक्ट होती है। एक सिंपल तस्वीर और एक डिज़ाइन में ये फ़र्क है कि डिज़ाइन जो होता है वो जेपीजी इमेज तो पहली बात नहीं होता, वो या तो पीडीएफ होगा, पीडीएफ एक्चुअली इमेज होती है पीडीएफ, लेकिन उसमें लेयर्स होती हैं अलग अलग, आप हर लेयर को अलग करके देख सकते हैं, आप उसमें मेजरमेंट ले सकते हैं कि ये जो बटन बना हुआ है इस पीएसडी फाइल में या पीडीएफ की फाइल में, ये जो बटन बना हुआ है ये इसका पिक्सल में साइज़ कितना है, आप जाके मेजर कर सकते हैं। आप फोटोशॉप पर जब उसको ओपन कर लेते हैं उस इमेज को, तो आप क्लिक करके उसका कलर का कोड उठा सकते हैं, इसमें कलर कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अगर उसमें कोई छोटा मोटा आइकन लगा हुआ है तो उस आइकन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो तो एक सिंगल फोटोशॉप की इमेज है ना, लेकिन उसमें से छोटे छोटे आइकन जो इस्तेमाल हुए हैं आप उनको अलग से जेपीजी में या पीएनजी फॉर्मेट में छोटे छोटे आइकन्स को सेव कर सकते हैं, ताकि आप उसको बाद में उन्हीं आइकन को अपनी वेबसाइट पर लगा सकें, समझ रहे हो। तो जो डिज़ाइन होता है वो या तो फोटोशॉप की कोई इमेज होगी, फोटोशॉप की फ़ाइल होगी, या तो वो पीडीएफ फाइल होगी, या तो वो फिग्मा वगैरह अब आ गए नए, एक्सडी और फिग्मा, जो एक्सडी जो है वो फोटोशॉप जिनका है उन्हीं का ही है, डॉबी वालों का, और फिग्मा पता नहीं अभी वो बिल्कुल नया है, वो पता नहीं किसी और ने बनाया है, तो फिग्मा पे भी ये बन जाता है डिज़ाइन वगैरह। तो बहुत सारे लोग हैं वो आजकल एक्सडी और फिग्मा को प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, एक्सडी में नेक्स्ट लेवल है एक्चुअली, फ़ोटोशॉप में जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना वो एक्सडी में हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, तो इस बटन के क्लिक पे अगर पेज चेंज होता है और दूसरे पेज पे जाता है, तो वो फिग्मा में और एक्सडी में, ये जो नए वाले सॉफ्टवेयर हैं, इसमें ये भी हो जाता है कि क्लिक करने पे वो बाकायदा पेज चेंज करके दिखा देता है, होता कुछ नहीं है, वो जस्ट एक स्लाइड से उठ के दूसरे पे चला जाता है, ठीक है। तो वो जितने पेजेस होते हैं उतनी स्क्रीन्स बनती हैं उसके अंदर, और उसको उसका एक नाम जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो फोटोशॉप पे बना हुआ अगर होगा तो उसको जस्ट डिज़ाइन बोलते हैं, और जो फिग्मा पे बना हुआ होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप, ठीक है, या डिज़ाइन प्रोटोटाइप कह लो उसको, तो वो प्रोटोटाइप होता है। तो अगर आपसे कोई अच्छा प्रोटोटाइप में ये दो नहीं है, और भी बहुत सारे आ गए, एक इनविजन करके बीच में बड़ा चल रहा था, और भी एक दो है, मेरे अभी जहन से नाम उतर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिग्मा और एक्सडी जो है ये प्रो लेवल पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये भी बात ज़रूरी है समझना कि जो एक डिज़ाइनर होता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है जो, ठीक है, तो वो फोटोशॉप पे काम करने वाला ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मोबाइल ऐप या वेबसाइट भी वो डिज़ाइन कर रहा हो, ठीक है। जस्ट डिज़ाइनर होना इज़ अ डिफरेंट, आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइन में भी डाइवर्सिटी है, क्योंकि ये दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। इस दौर में पहले ये होता था कि एक ही ग्राफिक डिज़ाइनर होता था, उसके पास जिस किस्म का भी काम आता था वो कर देता था, लेकिन आजकल जो बिल बोर्ड्स होते हैं उसका एक्सपर्ट एक अलग होता है, वो बोलता है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं बिल बोर्ड्स का काम करता हूँ, ठीक है, या थीम बनाता हूँ, जो बिल्डिंग के अंदर वॉलपेपर्स वगैरह के जरिए आजकल थीम बनाई जाती है, दुकानों में आपने देखा होगा वो पूरी थीम बनी हुई होती है। तो बिल बोर्ड्स के और थीम वाले बंदे अलग होते हैं, जो बुक्स वाले और हैंडआउट वाले छोटे पंपलेट वाले, ये बंदे अलग होते हैं, ठीक है। एक शादियों की फ़ोटोग्राफी या रियल कैमरे से खींची गई फ़ोटो को प्रोसेस करता है वो एक अलग बंदा होता है, उसको शादियों वाला फ़ोटोग्राफ़र कहते हैं, और सबसे ज़्यादा महंगा बाई दफे होता भी वही है, ठीक है, या फैशन डिज़ाइनर वगैरह वाले जो होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो शादियों में बेचारे 5-5 हज़ार में कर रहे होते हैं फोटोग्राफी, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे महंगे फोटोग्राफ़र वो हैं जो बंदों की फ़ोटो खींचते हैं। वेल, तो अच्छा फोटोग्राफ़र अलग होता है, वो खींच के इसको ला के देता है, ये उसको मॉडिफाई करता है, और बहुत मुश्किल काम है, हमारे वालों को किसी को भी नहीं आता, सही है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं है ढंग का फोटोशॉप जिसको आता हो, यानी इस कैटेगरी में जो शादियों वाली फ़ोटो है, वो जस्ट वो कहते हैं बस दाढ़ें मिटाओ और गोरा करो और फुल जाने दो, ठीक है। तो ये एक अलग कैटेगरी है। ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर जो मोबाइल ऐप डिज़ाइनर है या वेब एप्लीकेशन डिज़ाइनर है वो बिल्कुल अलग बंदा है, वो कभी भी फ्लायर का बिलबोर्ड का काम नहीं पकड़ेगा, और जो हमसे ज़्यादा चार्ज करता है, जो डिज़ाइनर होता है हमारी फील्ड में, जो डिज़ाइनर होता है जिसकी स्पेशलाइजेशन है मोबाइल ऐप और वेब ऐप, वो हमसे ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। अच्छा, वो एक तो उसका सॉफ्टवेयर अलग है, फोटोशॉप पे तो करेगा वो मेन काम अपना, लेकिन एक्चुअली वो फिर प्रोटोटाइप बनाकर देगा फिग्मा पे और एक्सडी पे। अच्छा, जिस बंदे को फिग्मा या एक्सडी नहीं आता वो उसको कोई हायर ही नहीं करेगा एज अ मोबाइल ऐप डिज़ाइनर, ठीक है। तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, यानी ऑन द टॉप ऑफ
फोटोशॉप या एलस्ट्रेटर, उसको ये भी आना चाहिए, XD और फिग्मा वगैरह जो नए सॉफ्टवेयर हैं आजकल के। उसके अलावा उसको यूज़र एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए, मिसाल के तौर पे कि ये वेबसाइट किस एज के लोगों के लिए बन रही है, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हर एज को अलग किस्म के कलर पसंद होते हैं, हर एज का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, फिर किस कैटेगरी की वो वेबसाइट है उसमें उसका कलर जो उससे मैच होना चाहिए, ठीक। तो उसको यूज़र एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस के दो फैक्टर्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, एक यूज़र का प्रायर एक्सपीरियंस और एक जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में प्लेजर का जो फैक्टर होता है। ये दो एस्पेक्ट होते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के, कि भाई एक तो उसको मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है तो उसका जो क्लच और ब्रेक है वो वैसा ही हो जैसा पिछली गाड़ी में वो यूज़ करता रहा है, वो चेंज नहीं हो, सही है। स्टेयरिंग को राइट मोड़े तो राइट ही मुड़े गाड़ी, ये नहीं कि लेफ्ट मुड़ रही है, उल्टा नहीं हो। आपको पता है कुछ गाड़ियों में उल्टा भी होता है, ये स्टेयरिंग राइट मोड़ेंगे तो गाड़ी लेफ्ट मुड़ती है। हाँ नहीं होता है ऐसा, बता सकता है कोई कि कौन सी गाड़ी में ऐसा होता है? लिफ्टर जो होता है, सही है, जो लिफ्टर होता है ना, कंटेनर उठाते हैं जिससे, उसका जो स्टेयरिंग होता है वो एक्चुअली क्या होता है, आप राइट घुमाएंगे तो गाड़ी लेफ्ट मुड़ती है, सही है। उसका एक्सपीरियंस वही है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस वही है जो लिफ्टर चलाने। अच्छा, आपको पता है जो गाड़ी के अलावा जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, कार या बस के अलावा या ट्रक के अलावा जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, उनका जो लाइसेंस होता है वो पायलट का लाइसेंस होता है, ठीक है। तो लिफ्टर चलाने वाला जो बंदा होता है ना, वो टेक्निकली वो एक पायलट होता है, सही है, लिफ्टर का पायलट होता है। हाँ, जो एक फिर एक क्रेन का पायलट होता है। फिर उसमें कैटेगरीज बनाई हुई उन्होंने, वो पता नहीं उसका नाम नहीं मुझे पता कैटेगरीज का, लेकिन वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का वो पायलट होता है, उनका अगर आप लाइसेंस देखेंगे ना उस पर पायलट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो ड्राइवर है ही नहीं, अगर आप उससे कह रहे हैं ना कि वो ड्राइव कर रहा है, वो लिफ्टर को ड्राइव नहीं कर रहा, वो लिफ्टर का पायलट है, उसको ऑपरेट कर रहा है वो, ठीक है। उसको क्रेन ऑपरेटर कहते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं उसको। वेल, तो दो हम ये बात कर रहे थे कि जो डिज़ाइनर होता है, वो जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, उसके दो फैक्टर थे ये, कि एक तो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कर रहा हो, भाई लैपटॉप सब लोगों के पास है तो अगर आप राइट क्लिक तो राइट क्लिक ही होता है, आप भले मैकबुक हो या कोई लिनक्स का लैपटॉप हो या विंडोज़ का लैपटॉप हो, राइट क्लिक सब में राइट क्लिक होना चाहिए, है ना भाई। बैक स्पेस से मिटना चाहिए, ठीक है, स्पेस बार से स्पेस आना चाहिए ना, ये तो नहीं चेंज कर सकते, ये तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा प्लेजर का एलिमेंट हो, कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए प्लेजर फील करे वो, जैसे 1-5 जब भूम भूम होता है तो मज़ा आता है ना, एक प्लेजर है, ठीक है, तो वो प्लेजर का। तो ये दो फैक्टर होते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट में, या वेबसाइट भी हो सकती है, मोबाइल ऐप भी, या कोई गाड़ी या कोई बाइक, दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट में। तो जो हमारा डिज़ाइनर होगा, वो इनफैक्ट होगा तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन अगर वो खुद को कह रहा है कि मैं, मेरी एक्सपर्टीज़ मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन है, तो उसको ये दो सॉफ्टवेयर आने चाहिए जो अलग से हैं, और उसको यूज़र एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस बहुत वास्ट फील्ड है, ये यहाँ पे एक दो घंटे की क्लास में डिस्कस नहीं हो सकती। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने लास्ट टाइम दिया था, वो आप सब लोगों को पता है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वो हमसे ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। क्रिएटिविटी का काम है, बहुत मुश्किल काम है, जो काम जितना मुश्किल होता है उसके उतने ज़्यादा पैसे होते हैं, हमारा काम निस्बतन आसान है। उसका काम मुश्किल क्यों है, कि ये जो बिज़नेस का ऑनर है ना, उसके साथ बैठा हुआ है ये, और ये बात चली थी जो वायर फ्रेम से, कि पेंसिल और पेपर हाथ में लेके ना लकीरें खींच के ये बात डिस्कस हो रही है कि क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, और डिज़ाइनर उस ऑनर को बता रहा है कि इसको यहाँ रखने का क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ क्यों रख रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर क्यों है, ठीक है, उस पूरे पेज में क्या चीज़ कहाँ प्लेस है, वो उसको बता रहा होता है ऑनर को। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल ऐप के अंदर एक होता है गोल्डन एरिया कहलाता है, अब मुझे नहीं पता गोल्डन एरिया कहलाता है, लेकिन मैं उसको गोल्डन एरिया कहता हूँ, ठीक है। तो जब आप टच स्क्रीन पे UX टच स्क्रीन लिखूँगा मैं, तो वो आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये आपके मोबाइल फ़ोन का वो हिस्सा है कि अगर आपने लेफ्ट हैंड से अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ईजिली आपका थंब पहुँच सकता है, पहुँच जाता है ईजिली। और अगर राइट हैंड से पकड़ा हुआ होगा तो इसी को आप मिरर कर लो, और ये अलग अलग स्क्रीन साइजेस में अलग अलग है, नोट कर रहे हैं आप। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस का एक पर्सपेक्टिव है, यूज़र एक्सपीरियंस वाले बंदे को ये पता होना चाहिए। तो वो ऑनर को बता रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन्स हैं ना आपके, वो इस एरिया में होने चाहिए जो एरिया ग्रीन है, समझ रहे हो बात। तो वो वायर फ्रेम में ये बातें डिस्कस हो रही हैं सारी, तो वो बहुत सर मारना पड़ता है, बहुत उसके साथ ना दिमाग खपाना पड़ता है।
अच्छा उसके बाद जब ये वायर फ्रेम पूरा डिस्कस हो जाता है, उसके बाद ये कलर सजेस्ट करता है कि यार ये कलर्स होने चाहिए वेबसाइट में। ऑनर उस पर भी आर्ग्यू कर सकता है, करता है, ठीक है। गोरा भी बहुत आर्ग्यू करता है भाई इन मामलों में। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो वायर फ्रेम जब फाइनलाइज हो जाता है तो डिज़ाइनर फिर जाता है अपने ऑफिस में, जाके तसल्ली से एक डिज़ाइन तैयार करता है। और वो डिज़ाइन तैयार करने के बाद अब मल्टीपल आइट्रेशन होती हैं बिजनेस ऑनर के साथ, या जो भी आपका क्लाइंट होता है, ज़रूरी नहीं है वो बिज़नेस ऑनर हो, कोई कंपनी हो सकती है, कोई सिंगल डायरेक्ट वेल, तो उसके साथ मल्टीपल आइट्रेशन होती है और उसमें उस डिज़ाइन को इवॉल्व किया जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाता है, फिर उसके बाद वो हमारे पास आता है, ठीक है। उसके बाद जब वो हमारे पास आता है तो हमारे पास वो किस तरह का दिखता है, मैं कुछ ओपन करने की कोशिश करता हूँ, फिग्मा में कोई मुझे मिल जाए ऐसा डेमो ऐप डिज़ाइन फिग्मा, ठीक है। फिग्मा पे मैं कोई ऐसे रैंडमली खोलना चाह रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसा डिज़ाइन मिल जाए जो मैं आपको दिखा सकूँ कि यार इस तरह का होता है ये फिग्मा डेमो। ये किसी ने ना बना के डाला हुआ है, फ्री है, ये फिग्मा पे ही बनाया हुआ है किसी ने और लिंक शेयर किया हुआ है। अब ये देख रहे हो, ये फिग्मा पे बना हुआ डिज़ाइन है जो इस वक्त राइट नाउ आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट है, इसके ये दो या तीन पेजेस हैं जो भी कह लो इसको आप। अच्छा ये बहुत मिनिमल बना हुआ है, सही है। इसमें देखो यहाँ पे एक बटन है, अब इस बटन का कलर क्या हो सकता है वो इसको मैं जब एडिट करूँगा तो उसमें मुझे मिल जाएगा वो, ठीक है। अब ये स्क्रॉल होगा ना तो कुछ इस तरह से ही है, ये देख रहे हो कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। अब इसने क्या बनाया वो डजंट मैटर कि अब इसने क्या बनाया, ठीक है। ये मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल ऐप की तमाम स्क्रीन्स हैं, ठीक है। ये देख रहे हो कैसे बनी हुई है स्क्रीन सारी। अब इसको मैं जूम इन करके अगर तुम्हें एक एक स्क्रीन दिखाऊं करीब से, तो जब पहली स्क्रीन खुलेगी ना और बंदा स्क्रॉल करता जाएगा तो ये कुछ इस तरह से नीचे जाता जाएगा। नोट कर रहे हो, डिज़ाइन जो होता है बनने के बाद वो किस तरह का होता है, जो हमें मिलता है, जो हमें मिलनी चाहिए चीज़, वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। अब ये स्क्रॉल करता जा रहा है बंदा, ये स्क्रॉल करता जा रहा है, ये एक स्क्रीन है एक्चुअली जो स्क्रॉल होने के बाद लास्ट में यहाँ तक पहुँचती है। अब इसी स्क्रीन पर कोई बटन होगा जिसको दबा के ना बंदा ये इस वाले पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ब्लॉग, ये ब्लॉग का पेज है गालबन, यहाँ पे कोई बटन होगा ब्लॉग का जिसको दबाने से बंदा कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। फिर ये स्क्रॉल स्क्रॉल करेगा ये और ये पेज यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। लोड मोर से ये मज़ीद शायद लोड हो जाएगा जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है। इसी तरह देखो ये ब्लॉग का एक और पेज है, ये वुमेन मैन और किड, ये एक स्क्रीन है। साइड बार गालबन क्लिक करने से ना, ये वाला बटन गालबन क्लिक करने से जो है ये खुलता होगा मे बी, ठीक है। और यहाँ पर तीन टैब्स हैं, सही है। ये सर्च चल रहा है इसका, ये देखिए, देख रहे हो ये प्रोडक्ट इसने ओपन की हुई है। दिस इज वी कॉल डिज़ाइन। अच्छा और कोई इसके अंदर है डेटा क्या, कंपोनेंट्स। अच्छा इसमें जो जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं ना, देखो वो कंपोनेंट एक अलग से सजाया हुआ है इसने। जैसे कि ये आइकन इस्तेमाल हुआ है ये वाला, अब ये आइकन ज़ाहिर है मैं खुद से नहीं बनाऊँगा, मैं इसी में से ही निकाल के इसको इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है। ये जो बबल्स बने हुए हैं इसमें, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे देखो अलग से इसने सजाई हुई हैं, जो जो कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं, देखो जो जो आइकन्स इस्तेमाल हुए हुए हैं वो अलग से इसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन तमाम आइकन्स को एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट करके अपने पास सजा लेते हैं, ठीक है। तो जो फ़ोटोज़ इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो यहाँ पर इसने लगाई हुई है, बटन्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ठीक है, बटन पर जो आइकन है एक्स वाई जेड, तो ये हमने देख लिया। अब ये मैंने जस्ट आपके उसको क्या कह लें, आपके जस्ट आपकी मैंने इंटरेस्ट के लिए ये बता दिया, ताकि अब आप क्या कर सकें, अब आप ये कर सकें, इसको मैं गेट अ कॉपी करता हूँ, ताकि जो है ना ये गूगल से मैंने लॉगिन किया, गेट अ कॉपी किया,
सही है, फिग्मा जो वो गूगल के साथ चलता है, गूगल के लॉगिन के साथ। चल भाई हो गया। सही है, अब यहाँ पे मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। भाई गेट अ कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? गेट अ कॉपी नहीं हुआ था। सही है, अब देखो ये फिग्मा मेरे पास, यही वाला डिज़ाइन मैंने क्या कर लिया, इस डिज़ाइन को कॉपी कर लिया, गेट अ कॉपी का बटन दबा के, फ्री डिज़ाइन था, पेड वाले भी होते हैं इसमें, ठीक है। और अब देखो ये जो बटन है ना, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ बटन पे, तो मुझे इस बटन के जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, और इसका जो कलर है एक्स वाई जेड, ये देखो ये इसका कलर है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पता चल जाता है। इसी तरह अगर मैं किसी और बटन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई और बटन में ढूंढता हूँ, वो दूसरी वाली स्क्रीन पे जाना चाह रहा हूँ, कैसे जाएगा ये? अच्छा, मैंने खुद भी पर्सनली फिग्मा वगैरह का भी इतना यूज़ नहीं किया, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट ये फिग्मा का डिज़ाइन बना हुआ मिलता है आमतौर पे, तो इसमें से कलर्स वलर्स उठा लेते हैं। अब इसमें दो तीन पेजेस थे, वो दूसरा पेज पता नहीं कैसे आएगा, आई एम नॉट श्योर, किसी को पता है दूसरे पेज पे मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? अच्छा ये रहा ना, सही है, तीन पेजेस बने हुए आ रहे हैं, ये आ गया भाई। अब ये देख रहे हो, ये छोटा सा जो क्रॉस का बटन है, ये जो क्रॉस का बटन है, ये लिखा हुआ रहा है कि ये 24x24 का बटन है ये पिक्सल्स में, और इसका जो कलर वगैरह जो डिज़ाइन वगैरह जो भी वो साइड में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसका जो कलर है वो एक्चुअली क्या है, वो ये वाला कलर है, सही है, ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये काइंड ऑफ एक ग्रे कलर है, सही है, पूरा ब्लैक नहीं है ये। तो खैर, ये थोड़ी सी मैंने आपको ये आपकी ओरिएंटेशन सेट की है मैंने थोड़ी सी, कि जो एक्चुअली डिज़ाइन है वो वर्क कैसे करता है, और कैसे एक वेबसाइट बनने के दौरान, वेबसाइट बनने के प्रोसेस में जो सबसे पहले काम ये डिज़ाइनर के पास जाता है, और वो वायर फ्रेम डिस्कस करता है, फिर वो डिज़ाइन में कन्वर्ट होता है, और सम टाइम डिज़ाइन हमें फोटोशॉप की सूरत में मिलता है, सम टाइम हमें प्रोटोटाइप की सूरत में मिलता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर बंदे ने मतलब कोई सस्ता डिज़ाइनर हायर किया है, तो वो उसको प्रोटोटाइप बनाकर मोस्ट प्रोबेबली नहीं देगा, वो कहेगा बस यार ये फोटोशॉप है, काफ़ी है। अच्छा, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ की जो बात हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि वो डिज़ाइन आपको डिज़ाइनर ने बनाकर दिया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिज़ाइनर से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको डिज़ाइनर से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो आपको डिज़ाइन की टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ वो कोई मोटे मोटे आपको अल्फाज फेंक के मारेगा, और आप डर जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो पता नहीं क्या कह रहा है। सही है, तो आपको अगर टर्मिनोलॉजी है ना, वकील से अगर आप बात करें ना, तो वकील आपको दो चार आर्टिकल गिनवाएगा ऐसे, आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या बोल रही है, आप फिर आप बोलेंगे बस चुप रहो। पुलिस वाले भी यही करते हैं ना, आप दो चार बात करें वो कहेंगे अरे इस पे तो भाई 3 साल की कैद बनती है। हाँ, इस पे तो आप पे तो ये दफ़ा भी लगती है, वो भी दफ़ा लगती है। सही है, क्या कौन बताता है? वो डिज़ाइनर करता है, डिज़ाइनर ईच एंड एवरीथिंग आपको बना के देता है। मैं जब ही कह रहा था कि हमारा काम निस्बतन आसान है डिज़ाइनर से, क्योंकि डिज़ाइनर को ये सोचना पड़ता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखनी है तो क्यों रखनी है, नहीं रखनी है तो क्यों नहीं रखनी, ठीक है। अब अगर रखनी है तो कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस कलर में होनी चाहिए, क्या उसका साइज़ वाइज एक्स वाई जेड जो भी, क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है सामने वाले यूज़र पे, ये सारा काम ना डिज़ाइनर सोचता है, ये हम नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको डिज़ाइन की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको डिज़ाइनर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है कि सामने वाला कलर, जिस जिसमें एक्चुअल कंटेंट जिस चीज पे लिखा हुआ है ना उसका कलर, और एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब होता है कि पीछे बैकग्राउंड में क्या कलर है। मिसाल के तौर पे अगर किसी वीडियो में मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, तो मेरा कलर जो है वो फोरग्राउंड कलर है एक्चुअली, सही है, या मेरे साथ मेरे नीचे पट्टी चल रही है, कुछ मेरा नाम लिखा हुआ है, तो दैट इज़ फोरग्राउंड कलर। मेरे पीछे जो है वो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा मे बी, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट होता है, उसके कलर को हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, और उस टेक्स्ट के पीछे जो दीवार दिख रही होती है वो वाइट या ब्लैक किसी भी रंग में,
वो दिख रही होती है। मिसाल के तौर पे इस पेज में बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट ब्राउन कुछ है शायद, नहीं अच्छा मुझे मेरी स्क्रीन पे ब्राउन दिख रहा है क्योंकि मेरे पास नाइट मोड लगा हुआ, असल में ग्रे है ये क्योंकि मेरी स्क्रीन हुई भी पूरी लाल लाल, तो मुझे ब्राउन दिख रहा है। वेल और फोरग्राउंड इसका इस पेज में क्या है, ठीक है दो तीन इसमें फोरग्राउंड कलर इस्तेमाल हुए हैं, हेडिंग्स के लिए ग्रे कलर का कुछ इस्तेमाल हुआ है और जो हेडिंग टू है उसमें पिंक टाइप का कुछ इस्तेमाल हुआ है और जो टेक्स्ट है इसका उसमें काइंड ऑफ ब्लैक एक है जो इस्तेमाल हुआ है। अच्छा भाई तीन तरीके हैं कलर को बताने के, ये फोरग्राउंड तो कलर हो गया ना भाई, एच वन मैंने कहा कलर क्या हो जाए, डार्क कियान ये कलर हो जाए, या क्या नहीं बोलते हैं ना इसको, सियान बोलते हैं, सही है भाई, तो बस यही है फिलहाल तो तो एक तो ये हो गया कलर नेम, कलर नेम के ज़रिए आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि कलर नेम मैं कुछ भी लिख दूंगा क्या, मैं लिख दूंगा नेम ट्री ग्रीन तो चल जाना चाहिए ये, नहीं ये तो डार्क सियान कर रहा है तो मुझे पैरट ग्रीन चाहिए मिसाल के तौर पर, तो मैं पैरट ग्रीन लिख दूँ चल जाएगा, तो कौन कौन सा कलर यहाँ पे लिखूंगा तो चल जाएगा, मेरा सवाल ये, सॉलिड ब्लैक लिखूंगा चल जाएगा, और ग्रे ग्रे लिखूंगा चल जाएगा, हाँ भाई अच्छा वैसे कलर होते कितने हैं, नहीं वो तो बेसिक कलर्स होते हैं ना कि तीन होते हैं, बेसिक कलर्स जैसे सात होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम तीन कलर से ही सारा काम कर लेते हैं, बेसिक वैसे नेचर में बेसिक कलर सेवन होते हैं बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा अभी डिस्कवर हो गए, तो लेकिन डिजिटल डिवाइसेस के अंदर हमारे पास बेसिक कलर तीन होते हैं जो स्क्रीन्स की बात हो रही है, और उन्हीं तीन कलर से हम सारे कलर डिवेलप कर लेते हैं, तो जो कलर हम डेवलप करते हैं इन तीनों से मिला के उसकी तादाद कितनी है, बहुत सारे कितने हैं, कोई तो लिमिट होगी, एटी डिजिलियन कलर हो सकते हैं जो इन तीन से मिलके बनेंगे, हाँ भाई हाँ 255 कलर है। अच्छा जो कलर नेम है ना, कलर नेम जो है वैसे तो कलर बहुत सारे हैं, इन्होंने कहा 80 डिजिलियन, आमतौर पर टीवी पे आपने देखा होगा 16 मिलियन कलर लिखे हुए होते हैं है ना, तो कलर तो बहुत सारे हैं लेकिन 255 के करीब, अभी मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता गूगल करेंगे अभी, कोई काइंड ऑफ 255 के करीब जो है ना वो कलर हैं जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, तो उनको क्या किया गया है CSS3 में कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया है। अच्छा तो ये डार्क सियान एक है उनमें से, अच्छा इसकी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं लिस्ट होगी, अभी निकाल के देख लेते हैं है ना, अच्छा अभी निकाल देते हैं तो वो हमें पता चल जाएगा कि तमाम कलर्स जो है ना वो जो नाम से जाने जाते हैं CSS3 में वो कौन से हैं, तो मैंने कहा CSS3 कलर नेम्स, ठीक है तो ये लिस्ट आ जाएगी, ये आ गया जी मेरे पास w3.org करके एक वेबसाइट है, इसने मुझे बता दिया कि यार ये हैं वो कलर्स जो CSS3 में नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ब्लैक है सिल्वर है ग्रे है वाइट मरून रेड पर्पल फूशिया, लेकिन इसने इसकी काउंटिंग नहीं लिखी हुई यहाँ पे कि टोटल है कितने, किसी दूसरे में चलते हैं या काउंटिंग बता रहा हूँ, 140 है नहीं मेरे ख्याल है 255 है ये, फुल ओवरव्यू ऑफ कलर्स नहीं ये नेक्स्ट भी है अभी तो इसमें मोज़िला डॉक्यूमेंट में चलते हैं यार कहीं ये नहीं बता रहा कि ये कितने हैं, हालांकि बड़ी ऑब्वियस बात है 147 है, वन
हालांकि यार टॉप पे इनको ये बताना चाहिए कि ये जो है ना इसमें इतने टोटल कलर्स हैं, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करनी चाहिए, है ना। लिखा हुआ है? हाँ, तो बस मैं भी अभी लिखूंगा कि हाँ मैं नहीं ऐड करूँगा, मैं भी साथ में। ठीक है, तो 140 है भाई। तो 140 कलर्स ऐसे हैं जो क्या होंगे, नाम से उनको कॉल किया जाएगा। और ये W3 स्कूल पे इनकी एक लिस्ट भी बनी हुई है, व्यू फुल ओवरव्यू और ऐसे करके ना, ये लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है तमाम उन कलर्स की जो नाम से जाने जाते हैं। एलिस ब्लू, एंटीक वाइट, एक्वा मरीन, एजोर और पता नहीं कौन कौन से वाहियात किस्म के। सही है जी, डार्क ऑर्चिड, डार्क रेड, डार्क सोलोमन, डार्क सी ग्रीन, डार्क स्लेट ब्लू, ये देख रहे हो, ये लेवेंडर, 140 के करीब ये कलर हैं जो जिनको नाम से जाना जाता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन कलर्स। हाँ बस यार अभी यही है जो है। सही है, अब हम वापस आ जाते हैं इधर बुक में। ठीक है, अच्छा बुक में भी इन्होंने ये बात नहीं लिखी कि कितने कलर्स हैं ये एक्चुअली। नहीं, 147 यार बुक में इन्होंने लिखा हुआ है, 147 है ये। अब ये पता नहीं क्या सीन है, गूगल पे 140 आया था। वेल, हम बुक पे ट्रस्ट करेंगे, कि बुक वाले ने सही लिखा होगा। ठीक है, अब वेल ये मैटर नहीं करता कि 140 है 147 है, पॉइंट ये है कि जब हमें डिज़ाइन बनाकर देगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब PDF में देते हैं ना जब, तो वो PDF में क्या करता है, जितने भी कलर इस्तेमाल हुए ना लास्ट में उनकी एक लिस्ट बनी हुई होती है, तो वो नेम्स कलर वहाँ पे लिखे हुए आ रहे होंगे, हमने वो नेम देखना है CSS में, एज इट इज हमने टाइप कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि 147 कलर नाम से जाने जाते हैं, वैसे कलर बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके बाद आप नोट करें एक RGB का तरीका है कलर देने का। ये RGB क्या है, रेड है सबसे पहला, कॉमा ग्रीन है, कॉमा ब्लू है। अच्छा, रेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, मैक्सिमम जो है वो 255 है। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरे वाले की भी, इसी तरह तीसरे वाले की भी। तो रेड, ब्लू और ग्रीन 0 से 255 तक ये कलर्स हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे आप ये बात जानते हैं कि जो तीन बेसिक कलर हैं इनको मिला के दुनिया का कोई सा भी कलर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या ये बात ट्रू है, 0 से लेके 255 तक दुनिया का कोई सा भी कलर बनाया जा सकता है? नहीं, वाइट बन जाएगा ना, वाइट क्यों नहीं बनेगा, सबको मैं फुल कर दूंगा तो वाइट बन जाएगा 255। अच्छा, इसका एक टूल भी है मेरे पास, जाओ और बोलो क्या याद करो, ये मैंने बचपन में बनाया था, RGB। अरे यार कैसे आएगा ये, पहले मैं अपनी जाऊंगा गिटहब में, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। RGB, ये लो भाई आ गया RGB। ये कोड भाई मैंने लिखा था उस वक्त जब मैं नई मैंने JavaScript और CSS पढ़ी थी ना, जब उस वक्त मैंने ये कोड लिखा था 10 साल पहले। फिर ये कोड गुम हो गया था क्योंकि मेरा आपको पता है कि अकाउंट ब्लॉक हुआ है GitHub का, तो ये उसमें ये कोड गुम हो गया था। फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको रिकवर किया, कोई पुराने PC में पड़ा हुआ था वहाँ से उठाया इसको मैंने, मैंने कहा चलो यार इसको रिवाइव कर लो। वेल, तो आप ये देखें इसमें ये तीन बॉक्सेस हैं जो आपस में ओवरलैप हुए हैं और ये तमाम कलर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे बुक में जो बात हो रही थी ना ये वैल्यू कि 100 और 90, तो ये कलर क्या बनेगा, तो मैंने कहा 100 एंड 90 एंड मिक्स कलर ये रहा। तो ये दरमियान का कलर जो है ना, ये कुछ इस तरह का कलर बनने जा रहा है। अरे थैंक यू सो मच भाई। तो ये दरमियान में जो कलर है ये कुछ इस तरह का बनने जा रहा है। अच्छा, मुझे अगर इसको ब्लैक कलर बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़ीरो कर दूंगा तो ये ब्लैक बन जाएगा। सारे को ज़ीरो कर दिया ना मैंने, तो ये ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक बन गया। सही है। अच्छा, अगर मुझे रेड बनाना है तो मैं रेड को क्या कर दूंगा, 255 इसका मैक्सिमम है, तो ये रेड हो गया। ये दरमियान वाला कलर वो है जो इस मिक्सचर से बनने जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसको क्या बनाना है, अगर मुझे बनाना है इसको रेड और ग्रीन को अगर मैं फुल करता हूँ तो क्या बनना चाहिए,
रेड को और ग्रीन को, येलो बनना चाहिए, मुझे नहीं पता, देखते हैं। हाँ येलो बन गया यार, सही बताया इसने, तो ये येलो बन गया। अच्छा अब अगर मुझे, मैं अगर ग्रीन और ब्लू को अगर फुल कर दूँ तो क्या बनेगा? 255 255। हाँ भाई क्या बनेगा? मैजेंटा टाइप का कुछ बनेगा। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? सियान, सियान बनाएगी, सी ग्रीन बनाएगी। अच्छा अच्छा मुझे अगर पर्पल बनाना है इसमें, रेड को कितना रखूँ? 100, और ब्लू को भी 100 रख देता हूँ। थोड़ा मजेंटा बनाए, अब ब्लू की वैल्यू अगर मैं 200 कर देता हूँ, हाँ तो सही है, काइंड ऑफ पर्पल बनता जा रहा है ये। वाइट मैं सबको फुल कर दूंगा तो वाइट बन जाएगा। 255 255 और 255, ये वाइट हो गया दरमियान में जो बना है। नहीं नहीं पॉसिबल है, रियल में क्यों नहीं है? जो रेनबो के साथ कलर को अगर मिक्स कर दो तो वाइट बनता है ना। हाँ तो नहीं, ये ऐसा ही है, सारे कलर अगर आप मिक्स कर दोगे ना, आप आपके पास रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, रियल कलर्स, उनको आप मिक्स करोगे तो वाइट बनेगा वो। हाँ करके देखना। नहीं अच्छा, ये बड़ी इसने टेक्निकल बात की है और बड़ा अच्छा सवाल किया इसने। सूरज से जो रोशनी आती है वो किस कलर की होती है? वाइट होता है, कलर नहीं होता उसका कोई। इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है इसका क्या कलर है? आर यू श्योर? सूरज से जो रोशनी निकलती है, कितने लोगों का ख्याल है उसका कलर वाइट होता है? बिल्कुल इसने सही बात की है। वो जो 9 में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं ना कि प्रिज्म रखते हैं और लाइट खिड़की से आ रही होती है, तो वो कलर अलग अलग हो जाते हैं प्रिज्म से लगने की वजह से, वो कलर अलग अलग हो जाते हैं। किसी ने अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिज्म एक्सपेरिमेंट लिखोगे ना अगर, तो ये कुछ इस तरह से ना, हम प्रिज्म रखते हैं और प्रिज्म के ऊपर जब लाइट मारते हैं, यानी सूरज वाली रोशनी खिड़की से आ रही है उसके बीच में प्रिज्म रखते हैं, तो वो लाइट को अलग अलग कर देता है। उसमें कुछ ऐसा एंगल बन जाता है प्रिज्म में कि वो लाइट अलग अलग हो जाती है, अलग अलग कलर की, क्योंकि इसकी वेव लेंथ अलग अलग होती है इस वजह से। तो वेल, जो सूरज से रोशनी आ रही है ना आपके पास, उसमें तमाम कलर मौजूद हैं, जो 7 नेचर के 7 कलर हैं वो सारे उसमें मौजूद हैं, और क्योंकि वो 7 कलर एक साथ उसमें मौजूद हैं इसलिए आपको देखने में वो वाइट लगती है। ठीक है, रोशनी आपको देखने में वो वाइट लगती है। ठीक है, अब जबकि रियलिटी ये है कि लाइट को देखने के लिए, लाइट आप देख नहीं सकते, लाइट को, पता है आपको ये बात, लाइट कैन नॉट बी सीन। वो जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना लाइट, आपको नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे वहाँ कोने में कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट होती है ना वो है, और वो उधर दीवार पे मार रहा है। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे वो बंदा नहीं दिख रहा, मुझे वो दीवार नहीं दिख रही, मुझे दरमियान से, तो मैं दरमियान में उस लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता, आँखों से देख के नहीं कर सकता। हाँ उसके बीच में पेपर लेकर आ जाऊँ, वो टच हो जाए उससे पेपर, फिर मुझे दिखेगी वो, या कोई डस्ट आ जाए उसके लाइट के दरमियान में, तो डस्ट में आपको लगेगा कि लाइट की बीम जाती हुई दिख रही है, लेकिन वो असल में डस्ट से रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है आपको। अगर डस्ट नहीं होगी या कुछ नहीं होगा दरमियान में, तो वो लाइट मैं देख ही नहीं सकता। ठीक है, तो असल में सूरज से जो रोशनी निकल रही है वो आप उसको देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी लाइट। समझ रहे हो ये बात? वो लाइट आपको जब नज़र आती है जब वो किसी चीज़ से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों के अंदर जाती है। आपको पता आप देखते कैसे हैं? अच्छा ये बहुत ज़रूरी है कलर को समझने के लिए, ये कलर की टेक्निकलिटीज़ हैं, जो आपको पता होंगी तो आपको कलर की नेचर समझ आएगी, कलर काम कैसे करता है, इंसान की आँखों में जो देखने का प्रोसेस है वो कैसे होता है, कोई बता सकता है? ये आपको कोई चीज़ कैसे नज़र आती है? रेटना पे नहीं बनती तस्वीर,
रेटना तो लेंस ही होता है ना, रेटना ही तो कहते हैं लेंस को। नहीं, आपकी आंखों से कोई लाइट निकल के जाती है या आंखों में लाइट अंदर आती है? एक्चुअली दोनों जगह पे लाइट होनी चाहिए, आपकी आंखों में भी लाइट होनी चाहिए और जो वहाँ से भी लाइट एंटर भी होनी चाहिए, दोनों ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग होगी तो आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो एक्चुअली होता क्या है कि लाइट जो है, जो भी सराउंडिंग की लाइट है, वो आपकी आंखों में एक लेंस लगा हुआ होता है जो बिल्कुल कैमरे के लेंस, कैमरा असल में इंसान की आंखों से इंस्पायर होकर कैमरे का लेंस बनाया गया है। अगर आप कैमरे का लेंस ऐसे करके देखेंगे ना तो हर चीज़ उसमें गोल गोल और काफ़ी, मतलब पूरा, अगर 180 डिग्री वाला लेंस है तो वो पूरा 180 डिग्री आपको सामने दिख रहा होता है। तो इस तरह का एक लेंस आपकी आंखों में होता है, 180 डिग्री का ही होता है गालबन, और वो पूरी लाइट को समेट के जो है ना उसको एक बीम की सूरत में आपके पीछे एक नर्व होता है, जो ब्रेन से एक नर्व आई हुई होती है उसके ऊपर मारता है वो, उसके ऊपर जो है वो एक इमेज ड्रॉ होती है और उस इमेज को आपका ब्रेन परसीव करता है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, हमारे ब्रेन की परसेप्शन है ये जो हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन का क्या है, ये परसेप्शन है। ठीक है, और हर बंदा अलग अलग देखता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। मिसाल के तौर पे मुझे ये सीन जैसा नज़र आ रहा है आपको वैसा नहीं नज़र आ रहा, ऑब्जेक्ट तो आपको वही दिख रहे हैं लेकिन आप जो कलर्स परसीव कर रहे हैं वो डिफरेंट है। हाँ, जिस तरह से आप इसको इस तरह से समझें कि अगर एक ओप्पो का फ़ोन है, एक शाओमी का फ़ोन है और एक सैमसंग का फ़ोन है, या एक ही कंपनी के तीन चार अलग अलग मॉडल हैं, तो आप उससे एक ही जगह की तस्वीर खींचेंगे ना, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इसी तरह हर इंसान एक सीन को एक जैसा नहीं देख रहा होता, जो सीन मुझे दिख रहा है आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। जैसा कि दो मोबाइल से आप जब फोटो खींचते हैं ना, तो दो मोबाइल में एक रेड को थोड़ा शार्प दिखाएगा, एक रेड को थोड़ा डिम दिखाएगा, काइंड ऑफ लाइक है कैमरे का इफेक्ट होता है। नहीं नहीं बिल्कुल, रॉ कैमरे से भी खींचोगे तो अलग अलग आते हैं। इवन सोनी के भी जो कैमरे हैं ना, जो प्रोफेशनल कैमरे हैं, उसमें दो मॉडल होंगे ना अलग अलग, एक साल आगे पीछे वाले या कोई दूसरी सीरीज होगी, तो उसमें जो रेड डिटेक्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। सेम साथ लगाओगे ना, यूँ डिफरेंट होगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का कैमरा तो वो डिफरेंस बहुत माइनर होगा, जो शायद आपको आम आंखों से पता ना चले, लेकिन अगर वो कैमरा जैसे ओप्पो शाओमी वाला है तो उसमें वाज़े डिफरेंस होगा जो बाकायदा आपको दिखेगा कि हाँ यार बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो जो लाइट की नेचर मैं समझा रहा था आपको कि लाइट की नेचर क्या होती है, लाइट, अब ये जो मैं बात बताने लगा हूँ ना, ये बहुत गौर से समझोगे तो ये समझ आएगी, और ये समझ में आ गई ना तो समझो कलर की सारी चीज़, कलर की जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना इन फ्यूचर तुम्हारे जहन में, उसका ताल्लुक इस क्वेश्चन से। क्या मुझे ये जो ये दीवार जो दिख रही है ब्राउन कलर की, ये दीवार मुझे ब्राउन क्यों दिख रही है? अच्छा, इसका जवाब ये है कि सूरज से जो रोशनी निकल रही है ना, उसमें सातों कलर्स हैं। कोई भी चीज़ आपको ब्राउन दिख रही है या ग्रीन दिख रही है, उसका रीज़न ये होता है कि वो सूरज से आने वाली तमाम तर सात लाइट्स होती हैं ना, सातों लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ एक कलर जो कि ब्राउन है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। वो रिफ्लेक्शन आपकी आँखों के अंदर दाखिल होती है और आपका ब्रेन उस लाइट की वेव लेंथ को परसीव करता है और आपको वो ब्राउन दिखने लगती है। ठीक है, अच्छा, फिर एक रेड रोज़ है, रेड रोज़ पे जब वही सूरज की लाइट पड़ती है तो वो तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ रेड को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो रेड जब रिफ्लेक्ट होता है ना तो आपकी आंखों के अंदर जाता है वो रेड और आपको वो रोज़ रेड दिखता है। अच्छा, जो चीज़ आपको वाइट दिख रही है वो इस वजह से वाइट दिख रही है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो तमाम की तमाम लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि तमाम कलर मिला दो वाइट बनता है, तो वो तमाम कलर एक साथ जाते हैं आपको वाइट दिखता है। कोई चीज़ अगर मुझे ब्लैक दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि सूरज से आने वाली तमाम तर रोशनी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो आपको ब्लैक दिखता है वो। समझ आई ये बात? सब लोगों को समझ आई कि कोई भी चीज़ मुझे, देखो इससे मुझे लाइट की नेचर भी पता चल रही है और मैं कैसे देखता हूँ मुझे वो भी पता चल रहा है। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करना, मेरी बातों में आने जरूरत नहीं है, मैं भी, ये ओपिनियन है मेरा, ठीक है, बुक में ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मैं ऐसे अपनी साइड से बता रहा हूँ, तो उसको क्रॉस चेक करना, सही है, ऐसे आंख बंद करके मेरी बात पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, तो सूरज की रोशनी जो आ रही है सात लाइट, उसमें से हमने देखा कि हर ऑब्जेक्ट कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ कलर्स को
रिफ्लेक्ट कर देता है। यही वजह है, बिल्कुल सही बचाना तुमने, यही वजह है कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो आप लाइट कलर्स पहनते हैं जो वाइट से करीब तर हो। उसका रीज़न ये होता है कि वाइट कलर का जब आप कपड़ा पहनते हैं तो वो जब उस पर लाइट लगती है ना तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हीट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। जाहिर है वो आपको पता है हीट जो है वो उसी 7 कलर्स में से एक कलर है ना, हीट, तो हीट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो नतीजतन क्या होता है कि उस वाइट कलर के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ तक वो ना लाइट पहुँचती है ना वो गर्मी पहुँचती है। ऑन अदर एंड जो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नतीजतन जब वो एब्जॉर्ब करता है ना तो जब वेवलेंथ लाइट की वेव गुजरती है उसके दरमियान से और वो नीचे तक पहुँचती है तो कुछ एनर्जी लूज कर देती है अपनी और वो एनर्जी उस ब्लैक कलर में एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट डिपॉजिट हो जाती है उसके अंदर। यही वजह है कि हम सर्दी में ब्लैक कपड़े पहनते हैं ताकि हम ज़रा सा भी धूप में से गुजरे ना तो वो ब्लैक कलर फ़ौरन गर्म हो जाए, हीट को डिपॉजिट कर ले अपने अंदर। ठीक है, आप नोट कीजिएगा, जैकेट्स जितनी भी आप लोगों ने पहनी हुई है अभी आप गौर करें, ज़्यादातर ब्लैक है। गर्म कपड़े ज़्यादातर डार्क कलर के होते हैं, लाइट भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लाइट बनाने पर पाबंदी है, लेकिन गर्म कपड़े ज़्यादातर डार्क कलर के होते हैं। गर्म टोपी या इस तरह के जो भी जुराबें होती हैं, शूज़ होते हैं जो गर्म शूज़, वो ज़्यादातर डार्क कलर के होते हैं क्योंकि डार्क कलर हीट को डिपॉजिट कर लेता है अपने अंदर। और जी, नॉट श्योर कि सोलर प्लेट ब्लैक उनको मतलब बाकायदा उसको ब्लैक रखा गया है जानबूझ के, वो वैसे ही ब्लैक है, आई एम नॉट श्योर। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या सोलर पैनल को इसी वजह से जानबूझ के ब्लैक रखा जाता है कि वो तमाम लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, मे बी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये गूगल कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। अच्छा, ये बात समझ में आई, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस दीवार को ब्राउन देखने के लिए जो लाइट इस पर पड़ रही है उस लाइट में ब्राउन कलर का होना ज़रूरी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये दीवार जो मुझे ब्राउन दिख रही है ना अभी राइट नाउ, इसको ब्राउन देखने के लिए एक तो इस पर लाइट का पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो मुझे कुछ भी वैसे भी नहीं दिखेगा। लाइट का इस पर पड़ना ज़रूरी है और रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है, और उस लाइट में जो लाइट इस पर पड़ रही है ना उस लाइट में ब्राउन कलर का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्योंकि ब्राउन के अलावा सारी लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो अगर जो लाइट इस पर पड़ रही है अगर उसमें अमाउंट ऑफ ब्राउन नहीं होगा, या कोई रेड रोज़ है उस रोज़ के ऊपर जो लाइट पड़ रही है अगर उस लाइट के अंदर रेड कलर मौजूद नहीं होगा तो वो रोज़ मुझे कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, लिटरली ब्लैक दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है मैंने, आप भी करके देखिएगा। एक रेड, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेड रोज़ को रेड देखने के लिए ना एक तो उस पर लाइट का पड़ना ज़रूरी है और उस लाइट में रेड कलर होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी लाइट मैं मार रहा हूँ, कोई ऐसी लाइट जिसमें रेड कलर नहीं है, कुछ और है, सिर्फ डार्क ब्लू है, वो प्योर ब्लू कलर की लाइट है, नहीं ब्लू कलर की वैसे भी लाइट हो सकती है जो क्लब व्लब में लगी होती है, सही है, या वैसे भी कोई लाइट आपने ली उस पर ब्लू कलर का आपने चिमकी चढ़ा दी तो वो ब्लू ही निकलेगा उसमें से सिर्फ। ठीक है, तो वो रोज़ मुझे लाल नहीं दिखेगा, फिर वो मुझे लिटरली ब्लैक दिखेगा, समझ रहे हो ये बात? अच्छा, इस चीज़ का एक्सपीरियंस तुम करोगे आमतौर पर जो वो शादियों की कोस्टर होती है ना, बस होती है जो कोस्टर में वो रेड लाइट ला देते हैं पूरी, तो उसमें हर चीज़ फिर क्या दिखने लग जाती है आपको, वो इतना डार्क रेड कलर होता है जो वो जलाते हैं वो आमतौर पर शादियों की जो कोस्टर होती है उसमें, कि आपको हर चीज़ ना क्या दिखने लग जाती है, ब्लैक एंड वाइट तो नहीं बोलूँगा मैं, रेड और ब्लैक दिखने लग जाती है हर चीज़, क्योंकि रेड के अलावा उसमें कोई कलर नहीं होता। अब सीट में कहीं ना कहीं ग्रीन भी इस्तेमाल हुआ होता है, कहीं ना कहीं कुछ दूसरे कलर्स भी होते हैं, तो वो रेड के अलावा तमाम दूसरे कलर आपको क्या दिखने लग जाते हैं, वो या तो ब्लैक या तो रेड का कोई एक शेड दिखने लग जाता है, ग्रीन कलर आपको दिखेगा ही नहीं, सही है, काइंड ऑफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे ये जो लाइट निकल रही है ये वाइट कलर की है, ठीक है, वाइट में सारे कलर्स मौजूद होते हैं, जब ही मुझे ये ब्राउन ग्रीन ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो सूरज से निकलने वाली जो लाइट होती है वो भी क्या होती है, वाइट होती है, क्योंकि उसमें सारे कलर्स होते हैं। अगर उसमें सारे कलर्स नहीं होते तो मुझे सारे कलर्स नहीं दिखते। अच्छा, एक चीज़ और अब इसमें मैं ऐड करता हूँ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, मे बी
मे बी नेचर में कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिखते, क्योंकि सूरज से जो आने वाली लाइट है उसमें तो 7 कलर्स हैं। अब इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट है, ब्राउन है, रेड है, ग्रीन है, ये तो मुझे पता है, लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कलर इन कलर्स से बिल्कुल हट के कुछ और कलर है, वो मुझे दिखेगा नहीं कलर, वो मुझे कलर नहीं दिखेगा, वो मुझे क्या दिखेगा, वो इन्हीं 7 में से कुछ का कॉम्बिनेशन कुछ दिखेगा, क्योंकि सूरज से जो लाइट आ रही है ना उसमें वही 7 कलर है, तो मुझे 8वां कोई कलर मुझे दिखेगा ही नहीं, कभी भी नहीं दिखेगा। नहीं वो तो रिफ्लेक्शन है ना, एक्चुअली वो तो रिफ्लेक्शन है ना, जो फॉयल पे से जो जो ग्लास की बात कर रहे हैं एक्चुअली, जो ग्लास होता है ना उसके भी जो चांदी लगा के जो शीशा उसको मिरर बना देते हैं, वो तो रिफ्लेक्शन है ना, दैट इज अनदर डिबेट बाई द वे। मैं जब ही कह रहा था कि बाहर भी लाइट होना ज़रूरी है, अंदर भी लाइट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मेरे न्यूरल बाहर से जो लाइट जाके पड़ती है ना जिधर मेरे अंदर, वहाँ पे अगर उस कलर का रिसेप्टर मौजूद नहीं है ना तो मुझे वो कलर जाहिर है वैसे भी नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? तो लाइट आपकी आंखों के अंदर भी लाइट होती है और बाहर से भी लाइट दाखिल होती है, दोनों होगी तो आपको चीज़ दिखेगा। बाहर से तो लाइट आ रही है लेकिन मेरे जो ब्रेन के अंदर रिसेप्टर, क्योंकि आँखें हैं ना, आँखों के बिल्कुल सीधे पीछे एक ऐसा यूँ एक प्लेट बनी हुई होती है, वो रिसेप्टर होता है कलर का। अगर किसी ने कैमरा देखा है ना, मिररलेस कैमरा, उसका जो सेंसर होता है चकोर सा, काइंड ऑफ दैट मेरे आँखों के बिल्कुल पीछे ना, बिल्कुल पीछे स्ट्रेट यहाँ पे एक ऐसे लगा हुआ होता है जैसे कैमरे का ना, मिररलेस कैमरे का सेंसर होता है ना चकोर सा, उस तरह का, और उस पर वो पड़ती है लाइट जाके, वो लाइट के रिसेप्टर्स होते हैं और वो उस लाइट को ट्रांसलेट करके ना ब्रेन तक कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ पहुँचाता है और उस लाइट को परसीव करता है मेरा ब्रेन। इमेजिन करो कि वो रिसेप्टर ख़राब हो गया, वो कुछ कलर्स को पकड़ ही नहीं रहा। अच्छा कैमरे में भी होता है ये, मिररलेस कैमरे में भी ये होता है कि वो कुछ कलर वो बर्न हो जाता है, वो कुछ कलर को पकड़ना ही छोड़ देता है, सही है? कैमरे में भी होता है, ये रेयर होता है बहुत लेकिन होता है। तो वेल, तो हमने ये क्या समझा, कलर की नेचर को समझा। अच्छा ये है ना, थोड़ा सा बुक में भी डिस्कस हुआ है कि भाई डिजिटल स्क्रीन कहाँ से स्टार्ट होती है और वो पेपर स्क्रीन कहाँ से स्टार्ट होती है। वेल, तो हमने क्या देखा, अच्छा क्वेश्चन इनिशियल ये था कि क्या मैं इन 3 कलर की कॉम्बिनेशन से दुनिया का हर कलर बना सकता हूँ? अभी भी कह रहा हूँ यस, नो। मैं इससे क्या बना सकता हूँ, मिसाल के तौर पे ये 255, 255 और 255 है ना, तो ये कितने बनते हैं, ये 16 मिलियन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैसे भला? ऐसे बनते हैं ये कि अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 255 मल्टीप्लाई बाई 255 मल्टीप्लाई बाई 255, ओ 155 लिख दिया मैंने, तो ये काइंड ऑफ कुछ 16 मिलियन बनते हैं। नहीं नहीं 255 है, जीरो से लेके 255 है एक्चुअली। ओ यस यू आर राइट, 256 होगा ये, जीरो से 255 तो 256 कॉम्बिनेशन हुई ना ये, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। 0 से लेके 255 तो एक ज़्यादा हुआ ना, 256 हुआ। तो वेल, ये कितने बनते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख करोड़। वेल, इसको वैसे करके गिनते हैं ना, सही है 16 मिलियन है ये, 1, 2, 3, 4, 5 167 लाख है ये, हाँ तो सही है, 167 लाख 16 मिलियन बनते हैं ना, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इन 3 कलर्स को मिला के ना जो इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स में इससे जनरेट कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आरजीबी के अंदर। यही वजह है कि जितने भी आरजीबी स्क्रीन्स होती हैं जिसमें टीवी वगैरह शामिल है उसमें आप देखेंगे 16 मिलियन कलर लिखा हुआ होता है। आप मोबाइल फ़ोन की भी स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो उसमें कलर्स में 16 मिलियन कलर्स लिखा हुआ आ रहा होता है जो आरजीबी स्क्रीन है, ठीक है। आरजीबी के अलावा भी होते हैं, इससे कम वाले भी होते हैं, इससे और ज़्यादा वाले भी होते हैं, ठीक है। तो 16 मिलियन के अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन है ना तो वो इसमें मैं बता नहीं सकता ना इसमें मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसका फिर मे बी कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा हमें। खैर 16 मिलियन कलर इतने होते हैं कि उस पर जितने भी मूवीज़ जितनी भी फिल्में देखते हैं वो सारी इसी पे ही चल रही होती हैं, ठीक है। जो कैमरे से आप वीडियो बनाते हैं वो भी 16 मिलियन कलर्स पे ही आमतौर पर चल रही होती है अगर वो आरजीबी को फॉलो कर रही है तो।
अब एक तीसरा तरीका है कलर को डिफाइन करने का, वो है ये, कौन मुझे बताएगा कि ये क्या कीड़ा मकोड़ा लिखा हुआ है। अब ये हेक्स कोड को कैसे समझूंगा मैं, कलर चलो आरजीबी तो समझ आ रहा है कि इतना रेड है इतना ग्रीन है, ये इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है भाई इसको आप कॉपी करो और आप जाओ गूगल पे, और अब गूगल पे जाके जब इसको यहाँ पे लिखोगे ना ऐसे, तो ये बता देगा आपको कि ये कौन सा कलर है। एक्चुअली ये पिंक कलर है, ठीक है, लेकिन हम जरा बात करना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, ये हेक्स कोड का मतलब क्या है। हेक्स कोड तो है सही है, ठीक है, व्हाट इज हेक्स कोड? कोई सिंपल लफ्जों में बताना चाहिए कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, मतलब ऐसे ही क्यों भला? हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में क्या लिखा हुआ है जरा बताओ। ई की जगह 15 है और ये इस वाले ई की जगह, एक मिनट, अच्छा तुम ये कह रहे हो ये जो कलर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ई की जगह 15 और उसके बाद एक और 15 और उसके बाद 3 उसके बाद फिर 15 फिर 8 फिर 0, तो ये मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये मतलब व्हाट इज दिस? इसको मैं अंडरस्टैंड कैसे करूँगा, क्या ये अंडरस्टैंडेबल कोई चीज़ है, अंडरस्टैंड की जा सकती है? हाँ भाई कितने लोग इससे एग्री करते हैं जो इन्होंने बताया, और सही गलत नहीं है इसमें, कोई ओपिनियन ले रहा हूँ आपसे मैं, वो तो मैं बताऊँगा, आप एग्री कर रहे हैं। हाँ भाई ये इन्होंने दोस्त ने कहा कि जो हेक्स कोड लिखा हुआ है ना ये ट्रांसलेट होता है इस पे 15 15 3 15 8 0, तो क्या ये मतलब यही है या किसको किसी और तरीके से पढ़ा जाएगा? कैसे इंटरप्रेट करूँगा मैं इस हेक्स कोड को आरजीबी वैल्यू पे, या ये आरजीबी से कुछ अलग चीज़ है, कोई नई आइटम है आरजीबी? चलो ये तो एग्री कर रहे हो, क्या है? अच्छा इस तरह का कुछ कलर आएगा, पिंक, सही है। हाँ भाई दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और इसको देखो और इस पर गौर करो और क्या समझ आता है फिर वो बताओ मुझे। है तो ये आरजीबी, चलो है तो ये आरजीबी, लेकिन ये डबल ई 3E 80, व्हाट इज दिस? एक दोस्त ने कहा है कि ये जो शुरू के दो है ना 15 और 15, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम तो ये 30 हो जाएगा, और उसके बाद जो 3 और 15 है इसको प्लस कर देंगे हम तो ये 18 हो जाएगा, और ये लास्ट वाले दो इनको भी प्लस कर देंगे तो ये 8 ही रहेगा। तो एक्चुअली ये 30 18 और 8, ये आर जी बी और ऐसे करके, कितने लोग इससे एग्री करेंगे? लेकिन ये 30 और 18 और 8 जो है ये डालने से तो पिंक तो नहीं बन रहा, यहाँ देख लेते हैं 30 18 और 8, ये तो कुछ और बन गया 80, अच्छा 80 आएगा, चलो 80 कर लेते हैं। ये जो कलर बन रहा है ना ये बन रहा है ऐसा वाला पिंक, ये ऐसा वाला पिंक बन रहा है, और यहाँ चलो 80 कर लेते हैं, ये तो ब्लू बन गया, इसका मतलब है ये, चलो मैं बता देता हूँ क्या है। देखो एक गिनती होती है डेसिमल, ठीक है, एक बंदा भी होता है हमारे दोस्तों में से, वो भी एक मल होता है लेकिन वो कोई दूसरा मल होता है, सही है। एक होता है डेसिमल, जो हम आम जिंदगी में गिनती का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिमल। डेसी का मतलब होता है 10 और मल का मतलब होता है
पता नहीं क्या सही है. वेल डेसिमल का मतलब होता है कि ऐसी गिनती जिसमें 10 यूनिक सिंबल है. डेसिमल का क्या मतलब होता है? ऐसी गिनती जिसमें 10 यूनिक सिंबल है. ठीक है, एक होता है हमारे पास ऐसी गिनती जिसमें 2 ही यूनिक सिंबल है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी. अब उसका नाम रखना चाहिए था बाइमल, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, इसका रखा है डेसिमल. वेल इसी तरह एक है हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल का मतलब हेक्स का मतलब होता है 16. सही है, हेक्स का मतलब 16 होता है, गालबन 6 होता है. अच्छा, तो जब भी इसके साथ हेक्साडेसी लिखा है इन्होंने कि हेक्साडेसी का मतलब 6 और 10. रोमन में ऐसे लिखते हैं ना, 6 अलग लिखते हैं 10 अलग लिखते हैं, तो 6 और 10 सिंबल है तो 16 सिंबल है. ठीक है, तो डेसी हेक्साडेसिमल का मतलब होता है ऐसी गिनती जिसमें 16 यूनिक सिंबल है. सही है, ऐसी गिनती जिसमें 16 यूनिक सिंबल है. अब मैं यहाँ पे जो है ना, अगर आपके ये कोड एडिटर में आ जाता हूँ और कोड एडिटर में आके मैं यहाँ पे मैं गिनती लिखना शुरू करता हूँ, कौन सी वाली? डेसिमल वाली गिनती. तो मैं लिखता हूँ 1, चलो 0 से शुरू कर लो, 1 2 3 4 5, 1 नहीं आया, चलो 1 भी लगा देते हैं, 6 7 8 9, और नहीं अभी तो डेसिमल लिख रहा हूँ मैं, अभी मेरे ये 9 यूनिक सिंबल ख़त्म हो गए, अब 10 यूनिक सिंबल ख़त्म हो गए. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसी को रिपीट करूँगा. मैं बोलूँगा भाई अब मैं वापस शुरू कर रहा हूँ 0 से, बट अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि इसके साथ 1 लगाऊँगा मैं. अब 1 0 होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा. सही है, एंड सो ऑन. ठीक है, 1 9 तक पहुंच गया मैं, फिर मेरे यूनिक सिंबल ख़त्म हो गए. फिर मैं क्या करूँगा, अब 2 0 से शुरू कर दूँगा, 2 1 कर दूँगा मैं यहाँ पे. ठीक है, 2 2 कर दूँगा. सही है, अबे क्यों नहीं दे रहा सजेशन. सही है, 2 9 तक मैं पहुंच गया, अब फिर मेरे यूनिक सिंबल ख़त्म हो गए. तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे करते करते मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं 9 0 तक पहुँच जाऊँगा मैं, 9 1. मतलब ऐसे करते करते यूनिक सिंबल, मतलब 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, फिर मैं 9 0 पे पहुँचूँगा ना, एक काइंड ऑफ. खैर 9 0 खुल गया दोबारा, सुना है मैंने ऐसा. ठीक है, 9 1 9 2 और 9 9. अब 9 9 के बाद आने के बाद ना मेरे पास डबल यूनिक सिंबल ख़त्म हो गया. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 3 डिजिट बना दूंगा. मैं बोलूँगा भाई 100. एक्चुअली चक्री चल रही है ये. अच्छा, अब जो 16 यूनिक सिंबल वाला आइटम है ना, उसमें मेरे पास है 16 यूनिक सिंबल हैं. वो कौन से हैं भला? ए बी सी डी ई और एफ, ये है मेरे 16 यूनिक सिंबल. ये मैं हेक्साडेसिमल की गिनती बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल शुरू में बता दी जाती है. होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी इसकी कैलकुलेशन कन्वर्जन भटी है क्या, ये आज समझ लो. 16 यूनिक सिंबल है, दैट्स इट. यहाँ पे आके मेरे यूनिक सिंबल ख़त्म हो गया. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनिक सिंबल मेरे ख़त्म हो गए, अब मैं क्या लिखूँगा बताओ. अब मैं दोबारा 0 से शुरू करना है मुझे, 1 और 2, लेकिन इसके साथ मुझे एक चीज़ लगानी पड़ेगी. कोई क्या लगाना पड़ेगा मुझे? 1 लगाना पड़ेगा ना, 1 0 1 1 1 2. सही है, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C. अभी यूनिक सिंबल ख़त्म नहीं हुए ना मेरे, अभी तो F तक चलेंगे. ये मेरे F तक पहुंच गया यूनिक सिंबल. 1 9 के बाद क्या आ गया? 1 A आ गया. सही है, 1 F पे जाके मेरे यूनिक सिंबल ख़त्म हो गया. अब मैं क्या करूँगा, 2 0 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9, उसके बाद 2 A, उसके बाद 2 B, उसके बाद 2 C, उसके बाद 2 D और 2 F तक. एक्चुअली ठीक है, 2 F से आगे नहीं जाएगा, F तक ही है. ये है हेक्साडेसिमल की गिनती. तो हेक्साडेसिमल की अगर जो चीज़ मैं डेसिमल में लिखता हूँ 13, डेसिमल में जो चीज़ मैं लिखता हूँ 13,
वो हेक्साडेसिमल में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ उसको डी, नहीं नहीं डी लिख रहा हूँ ना, डी लिख रहा हूँ, ये 10 की जगह है 11, 12 और 13। कैसे सी आएगा, कैसे सी आएगा भाई, 9 to 10 10 नहीं हुआ ना। यहाँ पे जो मैं डेसिमल के अंदर जिस चीज़ को 13 लिखता हूँ, ठीक है, तो 9 तक तो ये मेरा कॉमन है ना, 0 से लेके 9 तक तो कॉमन है ना। 9 के बाद 10 की जगह ए है इसमें, 11 की जगह बी है इसमें, 12 की जगह सी है और 13 की जगह डी है, ठीक है। अच्छा, अब कौन मुझे ये बताएगा कि जब मैं ऐसे करते करते जब मैं एफ एफ तक मैं जब पहुंच जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 255, करेक्ट, सही है। और डेसिमल में जब मैं 255 तक पहुंचूंगा तो एक्चुअली 225 होगा, समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो? सही है, समझ रहे हो ना, ये एक्सेल की शीट में वैसे ज्यादा बेहतर समझ आता क्योंकि उसमें सीधा होता है ना ऐसे वेरिएंट। नहीं मुश्किल है टेबल में। वेल, तो ये जो मैंने 2B लिखा हुआ है, 2B का क्या मतलब है? अरे नहीं, तुम तो टेक्निकल बता रहे हो, बस यहां से मैं गिनता आ जाऊंगा 0 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 2B पे जो बनेगा वही इसका डेसिमल है, ठीक है। अब कन्वर्टर ऑनलाइन पढ़े, समझ गया ना ये चल कैसी रही है कहानी। अब 2B को अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे जाके कि 2B को डेसिमल में कन्वर्ट करो, 2B को टू डेसिमल, तो ये मुझे देखो बता देगा कि 2B का जो डेसिमल होता है ना वो क्या होता है, 43 होता है, सही है। ये 2B का डेसिमल कह रहा है 43, अब यहाँ से गिनते हैं हम तो 43 ही आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ये तो 16 तो यहाँ तक हो गया ना, 16 तो यहाँ तक हो गया, 15 हुआ, यस यस एग्जैक्टली 15 हुआ, सही कह रहा हूँ, 10 11 12 13 14 15 15 यहाँ तक हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 तो 2A पे 42 बन रहा है, ये सही है, तो ठीक बताया इसने बिल्कुल। भाई 43 कैसे बन रहा है, 2B लिखा था मैंने, हाँ 2B लिखा था, सही है, हाँ तो 2B लिखा था, सही आया, ठीक है, तो सही बताया उसने। अब ये समझिए कि हेक्साडेसिमल की गिनती कैसे बनती है, डेसिमल से कैसे डिफरेंट है हेक्साडेसिमल की गिनती। अच्छा, तो ये सिंपली जो है ना लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल के अंदर, इसका जो शुरू का 2 कैरेक्टर है वो क्या है, रेड है, लेकिन हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो 2 कैरेक्टर है वो ब्लू है, उसके बाद जो ग्रीन है। अब आ जाते हैं इन तीनों को हम निकालते हैं एक एक करके। हाँ अभी वो बिल्कुल तुमने बेहतरीन बात की कि भाई जब सीधी सीधी गिनती थी तो क्या जरूरत थी इस तरह करने की, ठीक है। तो मैंने कहा डबल ई, पहले तो डबल ई का निकालता हूँ ना कि क्या है डबल ई, तो मैंने कहा कि भाई डबल ई क्या बनेगा, 238 बनेगा, है हाँ सही है ना, 238 है, काफ़ी दूर है यार, मैं तो समझ रहा था कोई 20 25 30 ही बनेगा। वेल, तो ई का मतलब होता है 238, तो इसका मतलब है रेड की वैल्यू क्या हो गई, 238 हो गई, कॉमा 3E है उसके बाद, 3E तो हम अपने पास से ही देख लेंगे, नहीं हमारे पे 3E तक नहीं पहुँचे हम, हमारी गिनती में हम 2 तक ही पहुँचे हैं, तो 3E तक देख लेते हैं क्या है। 3E ये 62 बनता है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया 62 कॉमा 80। अब 80 डेसिमल वाला 80 तो 80 होता है, लेकिन ये 80 से ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 10 जो आता है ना वो 16 की जगह तक पहुँचते पहुँचते फिर 10 आता है, ठीक है। तो 80 जो होगा इसमें वो काइंड ऑफ 120 या उससे भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। तो 80 ये लिखा हुआ है, लेकिन ये 80 ये 128 बनता है डेसिमल में क्योंकि वो हेक्साडेसिमल की गिनती का 80 है, क्या था 128। अब मुझे मिला 238 62 128, इसको मैं पुट करूँगा ना RGB में तो एग्जैक्ट सेम कलर बन जाएगा, सही है। 238 62 आ जाओ मेरे वाले में, 238 62 और 128, और ये मिक्स कलर दबाया, मोमेंट ऑफ ट्रूथ,
सही है। अच्छा तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि जो आरजीबी है ना वो वही है, वो सेम है, वो नहीं बदली। वो आरजीबी इसलिए नहीं बदल सकती है क्योंकि स्क्रीन के अंदर जो एक पिक्सल है ना उसमें तीन लाइटें लगी हुई हैं, एक है रेड, एक है ब्लू, एक है ग्रीन। सही है। मेरी जो स्क्रीन है, जितनी भी है, जो डिजिटल स्क्रीन होती हैं, जो कलर स्क्रीन की बात हो रही है, उसमें हर एक पिक्सल के अंदर ना तीन छोटी छोटी लाइट लगी हुई है, एक है रेड, एक है ब्लू, एक ग्रीन है, और वो लाइट एक खास इंटेंसिटी में जलती है तो हमें पिक्चर ड्रॉ होकर नजर आती है। ठीक है, तो आरजीबी तो चेंज नहीं होगा। ये लिखने का तरीका अलग है, आप उसको ऐसे करके आरजीबी में लिख दें या ऐसे करके हेक्साडेसिमल में लिख दें, रहेगा वो आरजीबी, जस्ट अनदर वे। आपको अगर हेक्साडेसिमल में आसानी होती है फाइन, आपको अगर आरजीबी में आसानी होती है तो फाइन। अच्छा अच्छा, तो अब ये सवाल है कि हेक्साडेसिमल एग्जिस्ट ही क्यों करता है इन द फर्स्ट प्लेस। ये क्वेश्चन है ना एक, कि हेक्साडेसिमल इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट करता ही क्यों है जब आरजीबी में आसान है। तो इसका जवाब ये है कि आपके कीबोर्ड में ये क्वेरिटी कीबोर्ड क्यों है। भाई ए बी सी डी तो सीक्वेंस में होना चाहिए ना यार, ए बी सी डी, इसमें तो ए एस डी एफ जी एच पता नहीं क्या लिखा है। टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाएगी अगर मैं ऐसे सीक्वेंस में करूँगा। हाँ भाई नहीं, इससे टाइपिंग स्पीड कैसे इंप्रूव होगी। मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा खैर, उसने सही कहा होगा, हो सकता है टाइपिंग स्पीड में कुछ फर्क पड़ता है इससे, तुम ये कह रहे हो। हाँ ये सही कह रहा है, इस तरह का कुछ है हिस्ट्री में कि वो पहले सीधे सीधे बनाए थे उन्होंने, उसमें टाइपिंग बहुत स्लो होती थी, फिर किसी डिज़ाइनर वगैरह को हायर किया, कोई लियोनार्डो डा विंची टाइप के कोई बंदे ने ना, मैथमेटिशियन वगैरह ने, उसने बोला यार ये सीक्वेंस बेस्ट रहेगा तो ऐसे बना दो। वेल मेरे ख्याल में ये कंप्यूटर का कीबोर्ड हमारा मैकबुक के अंदर, मेरे पास ऐसा कीबोर्ड इस वजह से है क्योंकि इस कीबोर्ड को चलाने की आदत है सब लोगों की, इसलिए दैट्स इट। अब वो पीछे क्या कहानी थी क्या नहीं थी, अब मेरी सबकी आदत है ये कीबोर्ड चलाने की, अगर इसको चेंज कर देंगे तो ये मसला हो जाएगा। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल ना, जो शुरू वाले डिज़ाइनर थे, जो वो डिज़ाइनर है, वो डेवलपर की बात नहीं कर रहा मैं, ये डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ, जो हार्ड कोर डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ, जो कलर्स में पूरा दिन खेलता है, वो उसको कलर का कोड देख के ना एक परसेप्शन होती है कि ये कलर कौन सा है, समझ रहे हो। उन्होंने कोई ट्रिक्स फिट किए हुए होते हैं कि अगर शुरू में एफ है और शुरू में ई है तो ये रेड वाला कोई शेड है, समझ रहे हो बात। तो उनको क्या होता है, ये कलर का कोड देख के ना परसेप्शन होती है, उनको इसकी आदत है। तो उनकी आदत को मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे भी कलर की बात आती है तो वहाँ पे हेक्स कोड को लाजमी रखा जाता है। फोटोशॉप वगैरह किसी भी आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे ना, हेक्स कोड का सपोर्ट देंगे लाजमी वहाँ पे वो, क्योंकि डिज़ाइनर जो होता है ना वो हार्ड कोर, और जो 80 साल का हो चुका है, अभी अंकल हो चुका है डिज़ाइनर, उसको हेक्स कोड ही समझ आता है, उसको ये वाला समझ नहीं आता। अब आप है नई जनरेशन, आपको समझ में आता है जो वाला आप वो वाला करें, दैट्स इट। सही है। तो यार नमाज का टाइम मिस कर दिया हमने वैसे। अच्छा 7:45 पे था, कब था, 50 हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब बस हम 5 मिनट में ख़त्म करते हैं क्लास, तो फिर आप लोग नमाज़ पढ़ के फिर घर निकल जाएंगे, ठीक है, 8 बजे तक नहीं जाएंगे हम। अच्छा तो हमने ये देखा कि यार तीन अलग अलग तरीके होते हैं कलर को डिफाइन करने के, ठीक हो गया जी। बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करने के भी यही तीन तरीके अवेलेबल हैं, आरजीबी की वैल्यू, कलर नेम या हेक्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें ये इतना लंबा मजमून इन्होंने लिखा है, कुछ अच्छी बात लिखी होगी, इसको पढ़ लीजिएगा, सही है, टेस्ट में क्योंकि इधर ही से आएगा एमसीक्यूस। अब ये अंडरस्टैंडिंग कलर में ना, इसने वो वाली सारी बात डिस्कस की है कि भाई एवरी कलर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग द अमाउंट ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे ना सारी, वो यहाँ पे इसने की है बुक में, ठीक है। अच्छा, टू फाइंड द कलर यू वॉन्ट यू कैन यूज अ कलर पिकर। कह रहे कलर पिकर होता है, उससे आप पिक कर ले, आपको पता चल जाएगा कि उसका कोड क्या है, अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे। वैसे डिज़ाइनर तो खुद लिखता है हाथ से कोड, वो कहता है यार यहाँ पे ना ये कोड होना चाहिए, वो तो ये लिखता है, लेकिन आप कलर पिकर इस तरह का बना होता है अक्सर सॉफ्टवेयर में। हमारे पास वी एस कोड में ये कलर पिकर
बाई डिफॉल्ट हमें मिल रहा होता है, अगर मैं आके यहाँ पे लिखूंगा ना रेड, अभी तो ये मैंने पता नहीं क्या गिनती विनती लिख दी है यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। और जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा ना कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो ब्लू पे मैं थोड़ी देर हवर करूंगा ना, माउस को क्लिक नहीं कर रहा मैं, माउस को हवर कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक शो हो जाता है। अब यहाँ से मैं जाके ना कोई भी इसमें से वैल्यू पिक कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू पिक हो गई, दैट्स इट। सही है, मुझे अब रेड का कोई शेड चाहिए, मैंने कहा भाई मुझे रेड का ना ये वाला शेड चाहिए, ठीक है रेड का मुझे ये वाला शेड चाहिए जो यहाँ पर है, ठीक है तो ये पिक कर लिया। तो कलर पिकर कह रहे हैं कि ईजी है, अगर आप कलर पिकर यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है। अच्छा, आरजीबी की वैल्यू, वो जो तीन तरीके अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए वो पूरा यहाँ पे डिटेल में बता रहा है। ये कह रहा है कि भाई इसमें तीन है, वो एक रेड है एक ब्लू है इसी तरह। ये कह रहा है कि ये जो कोड होता है ये भी 6 डिजिट का होता है, इसमें भी क्या होता है वो दो दो डिजिट करके तीन कलर्स ही लिखे हुए होते हैं हेक्स कोड में भी, दैट्स इट। अच्छा, कलर नेम में भी आप यही सेम चीज़, तो इसने एक्चुअली किया कि एक्वा मरीन कलर जो है, मीडियम एक्वा मरीन कलर, उसको कलर नेम में, हेक्स कोड में और आरजीबी में, तीनों में लिख के दिखाया है। कह रहा है भाई कलर एक ही होता है, उसको लिखने के तरीके अलग अलग है, दैट्स इट। अभी इसके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि क्या है। अच्छा, कलर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं हु, ठीक है इसको क्या पढ़ते हैं हु, सही है, इसको हम पढ़ते हैं सैचुरेशन, इसको हम कहते हैं ब्राइटनेस। तो हु जो होता है ना इज नियर टू कॉलिकल आइडिया ऑफ कलर। अब ये कॉलिक्यूअल क्या पढ़ेंगे इसको, कॉलिक्यूअल आइडिया, वेल ये असल में बताना ही चाह रहा है कि नेचर से ना करीब करीब होता है ये, ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग हाउएवर अ कलर कैन ऑल्सो हैव सिचुएशन एंड ब्राइटनेस एज वेल। कह रहे हैं कि भाई ये एक तो तरीका ये होगा ना कि आप रेड ब्लू ग्रीन बता दो, एक तरीका कलर को डिफाइन करने का ये भी है, ह्यू सिचुएशन और लाइटनेस, ठीक है ये एक भी तरीका है। अभी वो आगे बताएगा कि वो लिखते कैसे हैं, अभी उसकी क्या बता रहा है ये, अभी उसका जस्ट नाम बता रहा है कि यार एक इसमें ये चीज़ भी होती है, हम एक तो आरजीबी होता है ना, दैट इज़ नॉट नियर टू नेचुरल, कह रहा है ये वाला ना नियर टू नेचुरल है, जो रेनबो में कलर इसी तरह दिखते हैं हमें, इसी सीक्वेंस में दिखते हैं। अच्छा, सिचुएशन क्या चीज़ होती है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ग्रे इन अ कलर, कि किसी भी कलर में ग्रे का कितना अमाउंट है वो क्या कहलाता है, सिचुएशन कहलाती है उसकी, ठीक है। अगर कम ग्रे होगा तो कलर सैचुरेटेड है, और अगर ज़्यादा ग्रे होगा तो कलर कम सैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेशन कहते हैं असल में गाढ़ापन को, कि कोई रेड जो कितना गाढ़ा रेड है वो, कितना प्योर रेड है, ठीक है। तो उस रेड में अगर मैं ग्रे ऐड करता जाऊंगा तो क्या होगा, वो रेड फीका पड़ता जाएगा, तो वो कम गाढ़ा हो जाएगा अगर मैं उसमें ग्रे ऐड कर देता हूँ तो, ठीक है। एट मैक्सिमम देयर वुड बी नो ग्रे इन द कलर, कह रहे हैं मैक्सिमम सैचुरेशन में क्या होगी, कोई ग्रे नहीं होगा, बिल्कुल रेड होगा वो प्योर। और एट मिनिमम द कलर वुड बी मोस्टली ग्रे, कह रहा है जो मिनिमम सिचुएशन पे क्या होगा, यानी कम से कम गाढ़ापन ये होगा कि उसमें तकरीबन सारा का सारा ग्रे ही होगा, ठीक है। और ये इसको स्केल करके दिखाया है आपको इन्होंने कि ये कम सिचुएशन से लेके और ये ज़्यादा सिचुएशन तक लेकर गए हैं। उसके बाद ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस रेफर्स टू हाउ मच ब्लैक इन अ कलर, कि आपके जो कलर में ब्लैक का जो अमाउंट है वो कितना है, दैट इज कॉल्ड ब्राइटनेस। अच्छा, एट मैक्सिमम क्या होगा, देयर वुड बी नो ब्लैक, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी। अच्छा, और एट मिनिमम क्या होगा, सारा तकरीबन सारा ब्लैक होगा। तो इसका भी स्केल बनाकर दिखाया है कि मिनिमम ब्राइटनेस से लेके मैक्सिमम ब्राइटनेस तक का स्केल बनाकर दिखाया है, ठीक है। अच्छा, इसको ये नियर टू नेचुरल क्यों कह रहा है, नियर टू नेचुरल इसको इस वजह से कह रहा है कि आपकी जो स्क्रीन के अंदर लाइटें लगी हुई है ना, एक एक पिक्सल के पीछे तीन लाइट लगी हुई है, ईच पिक्सल मतलब तीन बत्तियाँ छोटी छोटी बारीक बारीक, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें आपको नजर भी आ जाएगी, मतलब वो जो होता है ना, क्या वो जो जासूस लेके घूमते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप रखेंगे ना स्क्रीन के ऊपर, ये जो डेल का मॉनिटर है इस पर मोस्ट प्रॉब्ली वो बहुत ईजिली नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन थोड़ा सा छोटे पिक्सल होते हैं वो शायद नज़र ना आए, लेकिन ये जो डेल का मॉनिटर रखा हुआ है इसमें बहुत ईजिली आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आ जाएगा कि वो तीन बत्तियाँ लगी हुई होती हैं हर पिक्सल के अगेंस्ट, है ना। और वाइट स्क्रीन पे वो तीनों जल रही होती हैं, जब वाइट होता है तो तीनों जलेंगी तो वाइट नज़र आएगी स्क्रीन। तो ब्राइटनेस जब हम कम करते हैं तो एक्चुअली वो क्या हो जाती है, वो बत्तियाँ थोड़ी थोड़ी डिम हो जाती हैं,
और पूरा अगर ब्राइटनेस को मैं ख़त्म कर दूँ तो बत्तियाँ बुझ जाती हैं तो ब्लैक निकलता है, समझ रहे हो? तो इसलिए नेचुरल से करीब बता रहे हैं। कंट्रास्ट क्या चीज़ है भाई? कोई लेमैन जुबान में मुझे डिफाइन कर सकता है कि व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रास्ट? ये बात करके बस हम क्लास खत्म करेंगे अपनी। कंट्रास्ट क्या होता है? मैचिंग क्या मतलब? नहीं मतलब मैचिंग क्या, जैसे ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है तो पैंट उससे कंट्रास्ट करके मैच करके पहनो, मतलब ब्लैक कलर की शर्ट पे कौन सी पैंट कंट्रास्ट सही रहेगा? ब्लैक टी शर्ट पे ब्लैक ही सही रहेगा। हाँ भाई, कितने लोग इनसे एग्री करते हैं कि मतलब कंट्रास्ट का मतलब यही है? या कोई और ओपिनियन है तो अपना ओपिनियन बताएं। मिलता जुलता जो शेड है उसको कंट्रास्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पिंक शर्ट है तो रेड कलर की पैंट हो मिलता जुलता हो। उसका फोरग्राउंड क्या हो? अच्छा, कंट्रास्ट अपोजिट कलर को कहते हैं। अच्छा, तो ब्लैक का अपोजिट व्हाइट और व्हाइट का अपोजिट ब्लैक है, तो मतलब कंट्रास्ट आप ये करें अपोजिट कलर को कहते हैं। हाँ भाई, और भाई एक ये दोस्त कह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड होता है अगर वो व्हाइट है तो उसका जो फोरग्राउंड कलर है अगर वो व्हाइट ब्लैक है वो तो वो कंट्रास्ट। अच्छा, जो बैकग्राउंड से मैच करता हुआ कलर होगा तो वो आप कह रहे हैं कि अच्छा कंट्रास्ट है वो। जी जी दोस्त, शार्पनेस, शार्पनेस क्या मतलब है? हाँ, कलर की शार्पनेस ज्यादा हो जाती है। करीब करीब बताया आपने वैसे, बरअक्स होता है कंट्रास्ट का मतलब, बरअक्स होता है। अच्छा, करीब करीब बताया काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही डिफरेंट बताया। वेल, मैं सबकी नॉलेज में इजाफा करना चाहूंगा कि कंट्रास्ट हम किसको कहते हैं कि दो कलर्स में कितना डिफरेंस है, दो कलर्स में कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो दैट इज़ हाई कंट्रास्ट। अगर दो कलर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो दैट इज़ मीन हाई कंट्रास्ट। अगर दो कलर में बहुत कम डिफरेंस है तो दैट इज़ मीन्स लो कंट्रास्ट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ा सा मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। व्हेन पिकिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज़ इनफ कंट्रास्ट फॉर द टेक्स्ट टू बी विजिबल काइंड ऑफ, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम कपड़ों में भी जो कंट्रास्ट का जिक्र करते हैं वो हम कहते हैं कि कंट्रास्ट का मतलब है कि अगर आप ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक दिख रहे हैं ना तो पता नहीं चलता कि कौन सी आपकी शर्ट है कौन सी पैंट है। ठीक है, तो इसलिए वो कंट्रास्ट का वर्ड आमतौर पे फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपको नज़र आता है कि आपका जो आपकी जो शर्ट है वो पैंट से कंट्रास्ट होनी चाहिए, कि अगर पैंट आपकी ब्लैक है तो शर्ट वाइट होनी चाहिए तो वो दूर से दिखता है कि अच्छा यार कहाँ पर पैंट है कहाँ पर शर्ट है, डिटेल दिखती है। सही है, इसी तरह सॉक्स आपको कौन से कलर का पहनना चाहिए। जो सस्ते मिल जाए अच्छा, सॉक्स का कलर जो है ना ट्राउजर से मैच करते हैं। सही है, या ट्राउजर या पैंट जो भी आपने पहना हुआ है, अगर आपने ब्लैक पैंट पहनी हुई है तो आपका सॉक्स भी ब्लैक होना चाहिए। सही है, अकॉर्डिंग टू द जो भी जिन्होंने भी ये बनाए हैं ना कपड़े, मतलब पैंट शर्ट जिन्होंने भी ईजाद की है उनके बकौल, उनके हाँ। और शूज कौन से कलर का पहनना चाहिए आपको? बेल्ट से मैच होता है। ठीक है, शूज, हाँ शूज का जो कलर होता है वो बेल्ट से मैच किया जाता है, जो बेल्ट का कलर होता है वो शूज का होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर कुछ लोग जो सॉक्स का कलर होता है वो शूज से मैच करने की कोशिश करते हैं जो कि ठीक नहीं है। जी, शलवार कमीज के एथिक्स यार हमें बताया नहीं जिंदगी में किसी ने, जे डॉट वालों ने भी नहीं बताया।
ये तो जो ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स, उन्होंने तो बाकायदा वीडियोस बनाई हुई है ना, जो पैंट शर्ट के और कोट वगैरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने तो पूरी वीडियोस बनाई हुई है कि यार आपने हमारे कपड़े पहनोगे ना आप तो परफ्यूम आपने इस जगह पे लगाना है। उन्होंने बाकायदा जगह बनाई हुई होती है कि हमने इस जगह पे ना ऐसा फैब्रिक लगाया तो आप परफ्यूम इधर लगाना, उन्होंने तो बताया हुआ। हमारे वाले बता ही नहीं रहे, हमारे वाले कुछ कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे वाले बंदे नहीं, टखनों से ऊपर बोल तो रहे हैं लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं ना, कर नहीं रहे कुछ। देखो अभी कोई यहाँ से सऊदी अरब जाना होगा ना किसी का, सऊदी अरब में आप बुरखा खरीदें, क्या बेहतरीन बुरखा होता है उनका, जो क्या बोलते हैं हिजाब, हिजाब और बुरखा जो होता है, अबाया जो भी बोल लो, अलग अलग एक ही चीज़ के नाम है, उनसे आप खरीदें, क्या बेहतरीन होता है उनका। तो वो सिर्फ बोल नहीं रहे, वो उन्होंने किया हुआ भी है उनका, वो ब्लैक कलर ऐसा होता है ठंडा होता है, गर्मी नहीं लगती उसमें। सऊदी अरब में वो सारे जुब्बा पहनते हैं ना, जो आप जुब्बा खरीदें वहाँ जाके, क्या बेहतरीन जुब्बा होता है, यहाँ पे तो वो कपड़ा ही नहीं मिलता। नहीं मतलब पता नहीं, दो नंबर ही बहुत ज़्यादा है। वेल तो लोग कहते हैं ना कि यार रोज़गार के मौके नहीं है, मैं कहता हूँ जो ये बात बोल रहा है ना कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके नहीं है, वो उसका शायद दिमाग काम नहीं कर रहा, वो सोचने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है उसकी। इस वक्त पूरे कराची में, मैं ये चैलेंज से आपको बात कह रहा हूँ, मैं आपने मुझे शलवार कमीज पहने हुए बहुत कम देखा होगा, देखा ही नहीं होगा बल्कि, हैं देखा है वो, हाँ वो जो बीवी है ना मेरी, वो उसकी ज़िद करती है, जब तो मैं कहता हूँ इस्त्री करके दे फिर मैं पहनूँगा, तो वो इस्त्री करके दे देती है तो मैं पहन लेता हूँ, वो भी ज़बरदस्ती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कन्वीनियंस नहीं है। जीन्स पहनता हूँ ना मैं, इसको प्रेस नहीं करना पड़ता, ये जितनी भी टी शर्ट्स हैं इसको प्रेस नहीं करना पड़ता। मैं जो शर्ट्स पहनता हूँ, आप नोट कीजिएगा, मैं जो शर्ट्स पहनता हूँ वो सारी आयरन फ्री शर्ट्स होती हैं। शलवार कमीज़ में पूरे कराची के अंदर कोई ऐसा स्टोर नहीं है जो शलवार कमीज़ बेच रहा हो आयरन फ्री हो, है ही नहीं है। जे डॉट में गया हूँ, नहीं है। अबे वो पता नहीं एक ही उनको वाहियात सा कलर है उसका, वो आयरन फ्री लिखा हुआ है, पता नहीं वो है नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं तो शर्ट्स पहनता हूँ आयरन फ्री वाली, मुझे पता है वो कैसी होती है, तो वो पहनते ही सीधी हो जाती है। नहीं है भाई, शलवार कमीज़ में जो आप लुंडे से जाके शर्ट खरीदोगे ना, उसका कपड़ा अच्छा होगा जो हमारे यहाँ शलवार कमीज़ बिक रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, रियल बात बता रहा हूँ ये मैं आपको। ये जो मैंने पहना हुआ ये क्या है, ये लुंडे का ही है ना। बस बस बस, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ये जो लेफ्ट ओवर शॉप्स होती हैं ना, ये एक्चुअली तो लेफ्ट ओवर तो इसको नाम दिया हुआ है ना, असल तो वो लुंडे का ही है। ये पुल एंड बेयर वालों की शर्ट है, ये लेफ्ट ओवर से ख़रीदी है मैंने, यहीं पास में एक शॉप है, ये पता नहीं कौन सा मॉल है वहाँ पे, या जैनब वगैरह से जो होता है। तो लेफ्ट ओवर क्या होता है, लुंडा होता है। तो ये पुल एंड बेयर हमारा ब्रांड है क्या, हमारा तो नहीं है ये। तो हमारे पास क्यों नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते, हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। अच्छा क्या हमारे पास क्या कॉटन की कमी है, कॉटन तो खुद उगाते हैं, कॉटन के कपड़े हमारे पास तो बेस्ट होने चाहिए। हम शलवार कमीज जो बनाते हैं उसको, कॉटन का कपड़ा जो हमारे पास जो हम बना रहे हैं ना, उसको 17 दफ़ा भी इस्त्री कर दो तो वो सीधा नहीं होगा, पता नहीं क्या वाहियात है। ऑन अदर हैंड कुछ अरसे तक मैं कपड़े का भी काम करता रहा हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया है, चाइना कॉटन करके कपड़ा आता है, वो कॉटन होता नहीं है, दिखते में कॉटन जैसा होता है, वो बिल्कुल आयरन फ्री होता है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप उठाओ और पहन लो, दैट्स इट। थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा वो फ्लफी सा फील कराता है वो थोड़ा। तो चाइना तो कॉटन उगा भी नहीं रहा, फिर भी हमसे अच्छा बना के हमें भेज रहा है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि भाई, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब लोग कपड़े का काम करने लग जाओ या कपास काट के कपड़ा बनाने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस फील्ड में भी हो ना, जिस फील्ड में भी हो, मैं ये समझता हूँ, मैं अपने ऊपर रख के बोलता हूँ, तुम्हें बोलूँगा तुम लोग बुराई ना मान जाओ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर लानत है कि अगर मेरे से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई भी हो पूरी दुनिया में, अगर मेरे से अच्छा कोई है ना तो मेरे पे लानत है, सबसे नंबर वन होना चाहिए इंजमाम साहब को, नंबर वन होना चाहिए पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दैट्स इट। तो अगर हमारा जो दर्जी है ना वो ये नहीं सोच रहा, हमारा दर्जी ये नहीं सोच रहा
हमारा जो गाड़ी बनाने वाला जो मैकेनिक है ना, या शोरूम जो गाड़ी बेचने वाला जो हमारा शोरूम है, वो ये नहीं सोच रहा। हमारे यहाँ जो बिरयानी पका रहा है ना दुकान में बैठ के, वो ये नहीं सोच रहा। वो कह रहा है कि यार बस कस्टमर आते रहे, लाइन लगी रहे, दैट्स इट, पैसे आते रहे, दैट्स इट। वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट होना है।